जय हिंद दोस्तों मैं अरविंद शर्मा अंबिका क्लासे जोधपुर मैं जो फर्स्ट टॉपिक ले चुका हूँ उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस और इसके चार वीडियो अब तक मैंने आपको समझा दिए पांचवा वीडियो जो लास्ट वीडियो है वो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लेकिन ये वीडियो तभी समझ में आएगा आपके जब आप चार वीडियो सीरियल वाइज देखोगे पहले फर्स्ट फिर सेकेंड फिर थर्ड फिर फोर्थ मैं फिर क्लियर कर देता हूँ मेरे पढ़ाने का तरीका लिंकिंग है आप फर्स्ट वीडियो देखोगे तब सेकंड सन में आएगा आपके सेकंड देखोगे तब थर्ड सन में आएगा कोई फॉर्मूला नहीं है मेरी मैथमेटिक्स के अंदर कुछ भी नहीं है एक बार सीरियल वाइज आप वीडियो देखिए वीडियो सीरियल सीरियल वाइज आपको देखना है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ हर टॉपिक के आपके चार से पांच वीडियो आएंगे लेकिन उनको देखना सीरियल वाइज है तभी आपके समझ में आएगा चलिए आज का अपना क्या लॉजिक है क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ आज मैं आपको लैंग्वेज कि लैंग्वेज किसी भी तरीके की आए आप उसको समझो कि प्रॉफिट लॉस किस पे निकाला जाता है तो प्रॉफिट लॉस कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकाला जाता है लेकिन अगर कहे जाए कि सेल प्राइस के ऊपर निकालिए तो कोई दिक्कत नहीं सेल प्राइस को मान लेंगे बाई डिफॉल्ट अपन कॉस्ट प्राइस को मानते थे लेकिन अगर वो कहे नहीं प्रॉफिट हुआ सेल प्राइस का तो अपन क्या करेंगे कहीं पर ले जा रब के अंदर ले जाके सेल प्राइस को मान लेंगे और एरो अपनी फिक्स है इधर कॉस्ट प्राइस होता है और इधर क्या होता है सेल प्राइस और एरो के ऊपर क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस अब चलते हैं अपन आगे दूसरा आज का कंसेप्ट होगा फ्रैक्शन कि सर फ्रैक्शन में प्रॉफिट लॉस होता है तो क्या करें तो बच्चों फ्रैक्शन में अगर प्रॉफिट लॉस होता है या प्रतिशत दस बीस पच्चीस तीस नहीं हो के एलेवन वन अपॉ नाइन परसेंट हो जाए सिक्सटीन टू बाई थ्री परसेंट हो जाए इस तरीके का अगर प्रॉफिट लॉस है तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है आप फ्रैक्शन फ्रैक्शन एक अलग से टॉपिक है लेकिन मैं दो मिनट में आपको यहाँ पर समझा देता हूँ देखिए क्या होता है मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे को 16 टू बाई थ्री परसेंट का प्रॉफिट हुआ 16 टू बाई थ्री परसेंट का प्रॉफिट हुआ चलो बताओ इधर क्या होता है सी और इधर क्या होता है एस और प्रॉफिट आपका यह है यानी इसमें इतना परसेंट जुड़ के ये बना अच्छा ये किसका परसेंटेज है तो ये सी का परसेंटेज है तो इसका इतना परसेंट जुड़कर ये बना ये आपका सीपी है जो जुड़ा वो आपका प्रॉफिट है और जो बन गया वो आपका सेल प्राइस है अच्छा सिक्सटीन टू बाई थ्री क्या है इसका परसेंट सिक्सटीन टू बाई थ्री को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखना चाहूँ तो बच्चों एक बार बताइए ये कितना हो गया फिफ्टी इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं फोर्टी एट फिफ्टी फिफ्टी बाई थ्री परसेंट है ये और सोल्व कर लेते हैं फिफ्टी बाई थ्री और परसेंट हटाने के लिए नीचे कितना लगता है सो तो बच्चों ये वन बाई सिक्स आता है अच्छा कहने का मतलब ये बोलिए या फिर ये बोलिए कि वन बाई सिक्स का प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट प्लस लॉस होता तो माइनस वन बाई सिक्स का प्रॉफिट हुआ अच्छा किसका वन बाई सिक्स है तो ये इसका वन बाई सिक्स है बाई डिफ़ॉल्ट सी पी का वन बाई सिक्स है अच्छा यहाँ पर क्या आता है आपका प्रॉफिट आता है मान लीजिए अगर ये छः लेता हूँ मैं क्यों लेता हूँ क्योंकि मेरे को पता है इसका वन बाई सिक्स करना है वन बाई सिक्स करेंगे तो ये कितना आएगा वन वन आपका प्रॉफिट है तो सेल प्राइस आपका कितना हो जाएगा सेवन क्योंकि वन आपका प्रॉफिट है मैं फिर क्लियर कर देता हूँ सिक्सटीन टू बाई थ्री परसेंट प्रॉफिट है प्रॉफिट की जगह ये है ये कॉस्ट प्राइस है ये प्रॉफिट है और ये सेल प्राइस है और इसमें यह जुड़ता है तो ये बनता है वो कह रहा है वन बाई सिक्स प्रॉफिट है किसका कॉस्ट प्राइस का कॉस्ट प्राइस का वन बाई सिक्स निकालिए तो मैंने कहा इसको हंड्रेड नहीं लेके अपन छः ले, ले लेते हैं जो नीचे होता है वही ले, ले लेते हैं माना कि कॉस्ट प्राइस सिक्स है सिक्स का वन बाई सिक्स वन हो गया प्रॉफिट वन हो गया तो सेल प्राइस कितना हो गया सेवन अच्छा अब देखा जाए तो ये एरो क्या बनती है तो एरो बनती है जैसे सिक्सटीन टू बाई थ्री परसेंट का प्रॉफिट है इसका मतलब अगर इधर छः है तो एक जुड़कर सबको पता है इसको मैं वन बाई सिक्स लिख सकता हूँ तो छः के ऊपर एक जुड़ेगा छः के ऊपर एक जुड़ेगा क्योंकि ये प्रॉफिट का एक है तो इधर क्या बन जाता है सात ये कॉस्ट प्राइस बताता है और ये क्या बता रहा है सेल प्राइस और प्रॉफिट कितना बता रहा है बच्चों एक कॉमन सी बात है मैंने क्या बताया मान लीजिए अपन दूसरा क्वेश्चन लेते हैं उसको समझना देखो बच्चों मान लीजिए कोई ये कहते फोर्टीन टू बाई फोर्टीन टू बाई सेवन परसेंट का लॉस है तो इस एरो में जो एरो में यहाँ बनाता हूँ उस एरो में इधर क्या होगा और इधर क्या होगा सबको पता है कॉस्ट प्राइस है और ये सेल प्राइस है चलो बना के देख लेते हैं मान लीजिए फोर्टीन टू बाई सेवन परसेंट ढंग से सुनना केवल दो मिनट में आपके पूरा फ्रैक्शन समझ में आ जाएगा पूरा परसेंटेज भी यहीं से निकला है बच्चों पूरा सी आई एस आई भी यहीं से निकला है पूरा एलिगेशन मिक्सर भी यहीं से निकला है केवल फ्रैक्शन को समझना दो मिनट के लिए अच्छा आप बताइए इतना परसेंट का लॉस है अच्छा फोरटीन टू बाई सेवन कितना होता है तो बच्चों इतने भी गरीबी नहीं होनी चाहिए ये तो आना ही चाहिए ये कितना हंड्रेड बाई सेवन और नीचे कितना हंड्रेड इसका मतलब वन बाई सेवन अब वन बाई सेवन क्या चीज़ है लॉस है तो लीजिए इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ माइनस वन बाई सेवन इधर क्या मानेंगे अपन सेवन तो लॉस कितने का एक का होगा याद रखिए लॉस होगा सात के ऊपर एक का लॉस होगा ये अगर सेवन है तो एक का लॉस है एक का लॉस करते ये क्या हो जाएगा सिक्स तो इसकी एरो बनेगी कि सात की चीज़ आप कितने में बेच रहे हो बच्चों छः में मैं फिर क्लियर कर देता हूँ आप केवल यहीं पर कर सकते हो इतना कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है ये फोर्टीन टू बाई सेवन परसेंट इसका मतलब वन बाई सेवन वन बाई सेवन लॉस है तो इधर सेवन लीजिए और ऊपर की वैल्यू वन कम कर दीजिए ये कितना हो जाएगा सिक्स अगर कोई ये कहे सर ये प्रॉफिट होता तो क्या होता जैसे फोरटीन टू बाई सेवन है इसका मतलब वन बाई सेवन है प्लस है ये इसका मतलब ये सात है तो सेल प्राइस आठ है क्यों क्योंकि सात के ऊपर एक जुड़ के आपका सेल प्राइस कितना हो जाएगा आठ क्लियर हो गया यहां तक मान लीजिए एक बार वापस देखते हैं अपन मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा होता कि इलेवन वन अपॉइ नाइन परसेंट का प्रॉफिट हुआ तो कॉमन सी बात है इलेवन वन अपॉइ नाइन को मैं फ्रैक्शन में ऐसे लिख सकता हूँ कितना वन अपॉइंट नाइन चलो प्लस क्यों लिखा प्रॉफिट हुआ वन अपॉइंट नाइन क्या है इस परसेंटेज को हटा के मैंने फ्रैक्शन लिखा वन अपॉइंट नाइन क्या बताती है अर कि अगर इधर नो है नीचे की वैल्यू इधर की वैल्यू होती है बाई डिफॉल्ट कॉस्ट प्राइस पर निकलता है इसलिए अगर ये नाइन है तो ये कितना हो जाएगा टेन अगर मान लो ये माइनस का होता इलेवन वन अपन परसेंट माइनस यानी हानि होती तो सबको पता है फ्रैक्शन तो यही होता लेकिन ये माइनस होता अगर इधर नाइन है तो इधर कितना हो जाता एट फिर एक बार और क्लियर कर लेते हैं मान लीजिए कोई ये कह दे कि सर सिक्सटीन टू बाई थ्री परसेंट का लॉस हुआ तो सबको पता है फ्रैक्शन में वन अपॉइ सिक्स है तो अगर इधर छः है तो इधर क्या हो जाएगा पाँच और अगर ये प्रॉफिट होता सिक्सटीन टू बाई थ्री परसेंट का प्रॉफिट होता तो सबको पता है अगर ये छः होता तो एक जुट के क्या हो जाता सात कोई सर या दो होता तो आठ हो जाता कहने का मतलब ये है कि दस प्रतिशत प्रॉफिट सौ की चीज़ एक सौ दस बीस परसेंट प्रॉफिट सौ की चीज़ एक सौ बीस अच्छा सिक्सटीन टू बाई थ्री परसेंट का प्रॉफिट अरे भाई वन बाई सिक्स है इधर सिक्स है तो उधर से भी है प्रॉफिट आपका ये क्या? मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा बाई डिफ़ॉल्ट प्रॉफिट लॉस किस पे चलता है तो बाई डिफ़ॉल्ट प्रॉफिट लॉस सी पी पे चलता है चलिए मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ इसको देख लेते हैं अपन एक बार वापस देखिए मान लीजिए कोई ये कह दे कि सर मैंने सिक्सटीन टू बाई थ्री परसेंट का प्रॉफिट कमा कर और किसी चीज़ को मैंने चौदह सौ रुपये में बेचा तो सीपी बताइए मान लीजिए अपना क्वेश्चन ये है सिंपल सा तो वैसे भी कर सकते हो सौ की चीज एक सौ सोलह दो बटा तीन लेकिन कॉमन सी बात है वैसे भी कर सकते हो सौ की चीज सौ में ये जोड़िए वन वन सिक्स टू बाई थ्री अब एक झटका इधर दे दीजिए ये कितना चौदह सौ ऊपर तो सौ आएगा और नीचे एक सौ सोलह दो बटा तीन आएगा इधर जाएंगे इधर जाना है तो इसको ऊपर और ये नीचे आएगा सोल्व कर लो ये आंसर आ जाएगा लेकिन बच्चों थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ गई तो कॉमन सी बात है अब आने वाले जितना भी टॉपिक है अपना परसेंटेज है सी आई एस आई है एलिगेशन मिक्सर है पार्टनरशिप है ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे बहुत सारे टॉपिक लेंगे जिनमें फ्रैक्शन बार बार आता है तो अपन क्या करेंगे एक सेकंड का कंसेप्ट है मैंने समझा दिया ये फ्रैक्शन प्रतिशत थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा दस होता बीस होता अच्छा लगता लेकिन सोलह से दो बटा तीन परसेंट अच्छा नहीं लग रहा क्या करें फ्रैक्शन में चेंज कर लो फ्रैक्शन में चेंज करते ही एक सेकेंड का क्वेश्चन हो जाता है देखिए इधर कितने में बेचा चौदह सौ और कितने का प्रॉफिट सोलह से ही दो बैठा तीन परसेंट का प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस पड़ रहे हैं या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा अच्छा इसको सोल्व कर लेते हैं तो प्लस का वन पॉइंट सिक्स अच्छा एरो क्या बनेगी इस गोले को लाना है उससे ये गोला लाना है तो अगर ये छः है नीचे की वैल्यू जो है वो ये नीचे है, वो ये ये माना छः तो उधर एक जोड़ के कितना हो गया सात छः की चीज़ कितने में जा रही है सात अब बस चौदह सौ को इधर खींच दो ये लीजिए और किधर खींचना है इधर ऊपर सिक्स नीचे क्या हो गया सेवन तो ये कितना हो गया बच्चों बारह सौ मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा अच्छा इसी तरीके से हजारों क्वेश्चन आप बना सकते हो बच्चों कुछ भी बनाइए मैथमेटिक्स में सब वैलिड है। अच्छा ये बताओ ये क्या है क्वेश्चन बिल्कुल अलग ट्रेन और क्वेश्चन बताना एलेवन वन अपॉन नाइन परसेंट का प्रॉफ़िट कमा के किसी चीज़ को मैंने दो हज़ार रुपये में बेचा तो आप बताइए पच्चीस परसेंट का प्रॉफिट कमाना होता तो उसको मैं कितने में बेचता क्वेश्चन कितने भी बना दीजिए ना क्या फ़र्क पड़ता है अब बच्चों ये तो नॉर्मल है अपना सो की चीज़ कितना बच्चों एक इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं क्योंकि ये तो अपन ने फर्स्ट वीडियो में ही देख लिया था दिक्कत यहाँ आई है अगर आपको तो इसका मतलब हंड्रेड नाइन्टी नाइन वन हंड्रेड हंड्रेड बाई नाइन बनाना आ जाना चाहिए इलेवन वन अपॉन नाइन परसेंट इसका मतलब हंड्रेड अपॉन नाइन परसेंट परसेंट उठाने के लिए नीचे सो कितना हो गया वन अपॉन नाइन तो बच्चों प्रॉफिट है तो प्लस लगाओ वन अपॉन्ट नाइन हो गया अच्छा बच्चों नीचे क्या आएगा नाइन वन जोड़ के इधर क्या आएगा टेन तो सीपी चाहिए तो यहाँ जाइए ये यह टू थाउजेंड है और इसको किधर खींचना है इधर नाइन बाई कितना टेन अब कोई कहेगा गुरु जी मेरे को यहाँ नहीं रुकना मेरे को तो यहाँ जाना है तो अभी कोई दिक्कत नहीं है इसको लाने की जरूरत ही नहीं है एक झटका इधर दो और एक झटका इधर दो बोलिए कितना हो गया दो हज़ार पहला झटका इधर नाइन बाई टेन अगला किधर इधर वन ट्वेंटी फाइव अपॉन कितना हंड्रेड जिधर जाना है ये सब बता दिया मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर सब कुछ क्लियर है जिधर तो जाना है उसको ऊपर लिखिए तो ऊपर क्या रहेगा नाइन नीचे टेन अब इधर जाना है तो वन ट्वेंटी फाइव अपॉन हंड्रेड मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा बिल्कुल क्लियर चलिए आज अपन क्वेश्चन लेते हैं उससे मैं समझा रहा हूँ आपको कि किस तरीके से ये चल रहा है क्वेश्चन को पढ़ो एक वस्तु बाईस सौ में बिकती है तो इतने परसेंट का प्रॉफिट होता है ये लीजिए कितने में बिकती है बाईस सौ रुपये बेचना बेचना किधर होता है इधर और कितने का प्रॉफिट हुआ 22 टू टू बाई नाइन परसेंट का प्रॉफिट हो गया मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा अब यहाँ पर आइए 22 टू टू बाई नाइन परसेंट का क्या हो गया प्रॉफिट यदि उसी पे चालीस परसेंट का लॉस होता कितने परसेंट का चालीस परसेंट का लॉस होता तो वस्तु कितने में बेची जानी चाहिए सी में आया हुआ क्वेश्चन है समझो ये फ्रैक्शन है तो इसको तो अपन को चेंज करना ट्वेंटी टू इंटू नाइन कर दीजिए और टू ऐड कर दीजिए कितना हो गया टू हंड्रेड अपॉन नाइन टू हंड्रेड अपॉन नाइन परसेंट है मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा ट्वेंटी टू और टू बाई नाइन परसेंट या फिर ये देख लो इलेवन वन अपॉन नाइन परसेंट का जस्ट दुगना है देखिए इसका ये दुगना है और इसका ये दुगना है बेस तो सेम ही रहता है इसका मतलब इसका जस्ट दोगना है ये कितना होता है वन अपॉन्ट नाइन और इसका जस्ट डबल ये क्या होता है टू अपॉन नाइन क्लियर हो गया होगा एलेवन वन अपॉन नाइन अगर इसको सोल्व करते हैं अपन तो ये होगा टू हंड्रेड अपॉन नाइन सोल्व करके देख लो चाहे ये कितना होगा बच्चों टू हंड्रेड अपॉन नाइन और परसेंट अगर हटाना है आपको क्या उठाना है परसेंट तो नीचे कितना हो जाएगा हंड्रेड इसका मतलब ये टू बाई नाइन है या फिर थोड़ा सा आइडिया लो मैं परसेंटेज बढ़ाने वाला हूँ आपको वहाँ पर पूरा फ्रैक्शन आ जाएगा परसेंटेज पाँच मिनट का टॉपिक है बच्चों प्रॉफिट लॉस ढंग से देख लीजिए सारे टॉपिक मैं प्रॉफिट लॉस से कनेक्ट कर दूंगा यहां पर आइए इलेवन वन अपन नाइन इसका जस्ट डबल ट्वेंटी टू है अच्छा वन का डबल टू है तो इसका डबल देख लीजिए और इसका डबल देख लीजिए तो ये मान लिया गया कि इसका डबल है नाइन का मत देखना नाइन की जगह नाइन ही रहेगा बेस वही रहेगा अच्छा यहाँ पर आ जाइए बोलो ये कितना बन गया टू बाई नाइन प्लस है प्रॉफिट है टू बाई नाइन डेफिनेशन क्या बनेगी अगर इधर नाइन होगा तो दो लाभ जुड़ के ये कितना हो जाएगा ग्यारह अच्छा ये तो सिंपल है वही सौ की चीज चालीस कम कर दीजिए कम करके प्लस होता तो बढ़ा के लिखते और माइनस है तो घटा के लिखेंगे सौ में से चालीस गया कितना हो गया साठ अब बच्चों इससे इससे ये आ जाएगा अगर वो पूछे कॉस्ट प्राइस बताइए तो ये बता देना लेकिन बच्चों कॉस्ट प्राइस पूछ ही नहीं रहा हूँ वो तो ये पूछ रहा है कि क्वेश्चन पढ़ो बाईस सौ रुपये में बेचा तो 22 टू टू बाई नाइन परसेंट का प्रॉफिट होता है यदि उस वस्तु पे 40 परसेंट का लॉस होता तो वस्तु कितने रुपए में बिकती मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा अब बच्चों इसको खींच लेते हैं ये लीजिए ट्वेंटी टू हंड्रेड किधर जाना है इधर ऊपर नाइन नीचे इलेवन अब किधर जाना है इधर ऊपर सिक्सटीन नीचे हंड्रेड सोल्व कर लेते हैं बच्चों कितना हो गया ये दोनों ख़त्म और ये कितना हो गया बच्चों टू और सोल्व कर लीजिए कितना हो गया बच्चों एटीन और ये कितना सिक्सटी जीरो वन ज़ीरो एट ज़ीरो क्लियर हो गया होगा तो आंसर ये आ जाएगा आपका क्या कह रहा है क्वेश्चन इसमें फ्रैक्शन भी है और इसमें प्रतिशत भी है अगर फ्रैक्शन है तो उसको कर लीजिए किस तरीके से करना मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा अब चलते हैं अपन आगे वाले क्वेश्चन पे क्लियर है क्या क्वेश्चन का मकसद क्लियर है कि एक तो फ्रैक्शन है और एक है प्रतिशत फ्रैक्शन है तो कॉमन सी बात है प्लस टू बाई नाइन बना मतलब इधर नौ है तो दो लाभ जोड़ के इधर ग्यारह है डेफिनेशन बनानी आनी चाहिए मैथमेटिक्स क्या है मैथमेटिक्स डेफिनेशन है अगर इधर नाइन है तो दो जोड़ के ये हो जाएगा इलेवन अब इधर खींचेंगे तो ये आ जाएगा और फिर यहाँ रुकना है तो ये बताइए और रुकना ही नहीं है जहाँ जाना है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स लगा दो लास्ट वहीं पर पहुँचना है आपको चलिए आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं किसी वस्तु को सोलह सौ रुपये में बेचने पर ये लीजिए वस्तु कितने में बिकेगी सोलह सौ बेचा उधर लिखते हैं खरीदा इधर लिखते हैं इतने परसेंट का प्रॉफिट होता है ये लीजिए फोर्टीन टू बाई सेवन परसेंट का प्रॉफिट होता है तो फोर्टी टू सिक्स बाई सेवन परसेंट कमाने के लिए फोर्टी टू सिक्स बाई सेवन परसेंट कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेची जाए इस बार क्या है दोनों ही फ्रैक्शन है ये परसेंटेज भी अच्छा नहीं है और ये परसेंटेज भी अच्छा नहीं है कोई बात नहीं अपन गौर से देखो इसको ये फोर्टीन है ये फोर्टी टू है ये टू है ये सिक्स है क्या रिलेशन है इसका थ्री टाइम्स है फोर्टीन का थ्री टाइम्स ये फोर्टीन ट्वेंटी एट और फोर्टी टू और टू का थ्री टाइम्स ये सिक्स है तो फोर्टीन टू बाई सेवन की डेफिनेशन बना लेते हैं अपन फोर्टीन टू बाई सेवन परसेंट की डेफिनेशन बनाते हो। ये देखिए फोटीन टू बाई सेवन परसेंट बच्चों नाइन्टी एट टू हंड्रेड हंड्रेड अपॉन सेवेन परसेंट उठाने के लिए हंड्रेड वन अपॉन सेवेन अच्छा परसेंटेज में क्या है ये डायरेक्टली आपके लॉजिक में आ जाएंगे फटाफट पटाफट पटा, अपन पटा, याद करवा देंगे आपको फोर्टीन टू बाई सेवन मतलब वन बाई सेवन प्रॉफिट है तो प्लस लगाइए ये वन बाई सेवन अच्छा इसका थ्री टाइम्स ये है फोट तो वैसे करना चाहो वैसे कर लो तो बच्चों ये कितना आएगा फोर्टीन का थ्री टाइम फोर्टी टू टू का थ्री टाइम सिक्स बिल्कुल इसका थ्री टाइम्स है तो ये वन बाई सेवन का थ्री टाइम्स कितना आएगा थ्री बाई सेवन अच्छा बच्चों ये प्रॉफिट है अगर इधर सात है तो इधर क्या बनेगा आठ अच्छा बच्चों ये बताओ ये सात है इधर सात है तो इधर कितना बनेगा दस नीचे सात होगा तो इधर तीन जुड़ के दस होगा थ्री बाई सेवन तो प्रॉफिट है तो अगर इधर सेवन है तो सेवन प्लस थ्री कितना हो जाएगा टेन अब इससे मेरे को इधर जाना है और इससे मेरे को इधर आना ये लीजिए सिक्सटीन हंड्रेड अपन को यहाँ ही पहुँचना है ये यहाँ पहुँचना है तो ये निकाल दीजिए अरे बच्चों बहुत आसान है पहले प्रॉफिट कितने रुपए का होगा वो भी आ जाएगा और अब प्रॉफिट कितने रुपए का होगा वो भी आ जाएगा बहुत आसान है मैथमेटिक्स तरीके से चलिए सिंपल परसेंटेज है बीस परसेंट प्रॉफिट तो सौ की चीज़ एक सौ बीस बीस परसेंट लॉस सो की चीज़ अस्सी फ्रैक्शन में है फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए दूसरे फ्रैक्शन को देख लीजिए दुगना है तिगुना है या, या अलग है तो अलग लिख दीजिए क्या फ़र्क पड़ता तो कॉमन सी बात है सोलह सौ पहले एक झटका इधर देना है ऊपर सेवन नीचे कितना आएगा एट यहाँ पहुँच गए अगर इसको सोल्व करें अपन तो ये वैल्यू आएगी फिर प्रॉफिट पूछे तो वो बता देना अच्छा लेकिन ये चाहिए ही नहीं मेरे को ये चाहिए एक झटका इधर दीजिए ऊपर टेन नीचे कितना हो जाएगा सेवन कैंसिल कर दीजिए सेवन से सेवन कैंसिल ये कितना बच्चों दो सौ दो सौ इंटू दस कितना हो जाएगा दो हजार तो कॉमन सी बात है ये वस्तु तो कितने में बेची जाएगी दो हज़ार पहले प्रॉफिट होता था सोलह सौ सॉरी पहले बेचा जाता था सोलह सौ और अब कितने में बेचा जाएगा दो हज़ार पहले का प्रॉफिट भी आ जाएगा कोई ये पूछे कि सीपी बताओ ये लीजिए सोलह सौ एक का इधर दीजिए सेवन बाई एट पहले खरीदी जाती थी चौदह सौ और बेची जाती थी सोलह सौ और पहले का प्रॉफिट होता है 200 और आज खरीदी जा रही है 1400 लेकिन बेची जा रही है 2000 और आज प्रॉफिट हो रहा है आपका कितना 600 अच्छा दोनों सेल प्राइस का अंतर पूछे तो भी आ जाएगा ये 1600 सो है ये 2000 दो है दोनों का अंतर कितना है बच्चों चार 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 मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा या तो फ्रैक्शन होगा या परसेंटेज होगा अब तक मैंने दो चीज़ बता दी एक भी गोला भरा हुआ है तो सारे गोले आ जाएंगे जो पूछे वो सब कुछ आ जाएगा सिंपल प्रतिशत है तो शौकी चीज़ जितना और अगर प्रतिशत थोड़ा सा डेंजर है मान लो यहाँ कितना बना वन बाई सेवन भाई किसका वन बाई सेवन इसका वन बाई सेवन ये सेवन है तो ऊपर वन जोड़ के ये एट हो जाएगा ये बताओ सेवन तो वो होगा एट अच्छा एक बार बताओ ये कितना थ्री बाई सेवन अगर इधर सेवन है तो उधर होगा टेन अच्छा ये माइनस होता तो इधर सेवन तो उधर फोर हो जाता अच्छा ये माइनस होता तो इधर सेवन उधर सिक्स हो जाता और मन सी बात है क्लियर हो गया होगा अच्छा फिर भी मैं क्लियर कर देता हूँ आपको सीरियल वाइज चलना फर्स्ट सेकंड, थर्ड फोर्थ वीडियो को देखने के बाद फिफ्थ वीडियो पे आना यूनिक मेथड है बच्चों मेरे आप शेयर करते रहिए इनको शेयर करते जाइए जितना शेयर करोगे उतना ही लोगों तक पहुँचेगा बिल्कुल यूनिक मेथड फर्स्ट टाइम मैं ऑनलाइन आया हूँ और मेरा जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए किसी वस्तु पर इतने परसेंट के प्रॉफिट की जगह इतने परसेंट का प्रॉफिट लिया जाए ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा तो अपन क्या करें एरो बना लेते हैं मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूँ क्वेश्चन पढ़ते ही इस्टार्ट हो जाइए एरो बनाना स्टार्ट कर दीजिए क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व हो जाता है गोला बनाए तो गोले को ले लो गोला नहीं बनाए तो अपनी मर्जी से ले लो चलिए स्टार्ट करते हैं किसी वस्तु पर इतने प्रॉफिट की बजाय बच्चों कितना प्रॉफिट होता है फोटीन टू बाई सेवन परसेंट प्रॉफिट की जगह इतने परसेंट का प्रॉफिट होता है कितना सिक्सटीन टू बाई थ्री परसेंट का प्रॉफिट लिया जाए तो पचास रुपये ज़्यादा मिलते हैं आप बताइए सब फड़ा रखा है पहले इतना मिलता था अब इतना मिलता है और इन दोनों का अंतर कितना है पचास रुपये पचास रुपये इन दोनों का अंतर ज़्यादा मिलते हैं पचास रुपये इससे यहाँ ज़्यादा मिलते हैं कितने रुपये पचास बताओ कौन सा क्वेश्चन आ गया लिंकिंग इससे पहले वाले क्वेश्चन क्या थे गोले भरे थे अब क्या दिया बोले भरे हुए नहीं है लेकिन क्या दे रखा है तो आपको लिंकिंग पहले कितना कमाना चाहता था पहले इतने कमाना चाहता था अब इतना कमाना चाह रहा हूँ हाँ पहले जितने में बिकता था, था और अब जितने में बिकता है उन दोनों का अंतर अपन को क्या दे रखा है पचास फर्स्ट वीडियो में सब कुछ बताया था सेकंड वीडियो में बताया था कि इन दोनों का लिंकिंग दे रखी है इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है पचास तुम क्या करो गोला खाली है तो अपनी तरफ से गोला मान लो और यहाँ पर यहाँ पर पहुँचो इन दोनों का अंतर पचास है तो इनका अंतर तुम भी निकाल लो और उस अंतर के बराबर क्या रख दो पचास और जो माना उससे कंपेरिजन कर दो आपको क्या चाहिए सी पी बताइए एक बार बताओ बच्चों फ्रैक्शन है सो मत करना क्योंकि तो टाइम वेस्ट हो जाएगा फ्रैक्शन है ये वन बाई सेवन है अच्छा बच्चों ये कितना है ये वन बाई सिक्स है क्लियर तो कॉमन सी बात है इसका वन बाई सेवन जुड़ के ये होगा अच्छा इसका वन बाई सिक्स जुड़ के ये होगा अच्छा यही बार बताइए मैं इसको क्या मानूँ इसको वो मानो जो सात से भी कट जाए और किससे छः से भी कट जाए और जो लाभ होगा वो जुड़ के ये बनेगा और जो लाभ होगा वो जुड़ के ये बनेगा अच्छा यहाँ डेफिनेशन की ज़रूरत है तो सिक्स की ची सिक्स छः रुपये का माल सात में जाएगा वहाँ डेफिनेशन है सात का माल कितने में जाएगा आठ में लेकिन कॉमन सी बात तो गोला भरा है तो अपन वैसे करके कर लेते हो लेकिन अगर मान लो गोला भरा हुआ नहीं है तो ऐसा डेटा ले लो जो सात और छः दोनों से कट जाए ऐसा डेटा क्या है बच्चों फोर्टी कितना गोला मान सकते हो आप मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स में केवल आप एक गोला मान सकते हो मैंने एक गोला मान लिया 42। अब 42 का 1 बाई सेवन यहाँ लाभ कितना हुआ लाभ लाभ बताइए मेरे को यह लाभ हुआ छः का क्योंकि फोर्टी का वन बाई लाभ है तो बच्चों ये कितना हो गया फोर्टी अच्छा फोर्टी का वन बाई ये कितना हो गया बच्चों सेवन कॉमन सी बात है लाभ लाभ है तो फोर्टी टू प्लस सेवन ये कितना हो गया फोर्टी नाइन कॉमन सी बात है या तो फिर 42 को खींच लो इधर 42 मान के खींच लो कैसे खींचोगे ये सात है तो ये क्या है आठ है और ये सात है ये छः है तो ये क्या हो जाएगा सात और इसको खींचोगे तो भी यही आएगा या फिर 42 का वन बाई सेवन सिक्स हो गया और 42 का वन बाई सिक्स सेवन हो गया जोड़ के ये ले आइए जोड़ के ये ले आइए फोर्टी टू है तो फोर्टी एट होगा फोर्टी टू सी पी है तो फोर्टी नाइन एस पी होगा मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कोई बच्चा कहे सर मैं इसको मानने के बाद ऐसे खींचूँ छः की चीज़ सात तो भी बच्चों वही आएगा देखो फोर्टी टू इन टू झटका दीजिए उधर सेवन बाई सिक्स सोल्व करेंगे तो वही फोर्टी नाइन आ जाएगा माना उसके हिसाब से सी पी कितना है फोर्टी टू एस पी कितना है फोर्टी एट आज का एस पी क्या है फोर्टी नाइन अच्छा दोनों का अंतर कितना है वन वन का मतलब क्या दे रखा है पचास क्यों क्योंकि उसने क्या दिया वन तक पहुँचना है उसने दिया दोनों एस का अंतर पचास सौ तो मेरे हिसाब से तो इसका अंतर एक है एक का मतलब कितना है एक का मतलब है बच्चों पचास एक का मतलब पचास रुपये तो अब आपको क्या बताना है सी पी बताना है तो सी पी मैंने एक माना ही नहीं सी पी कितना माना मैंने फोर्टी टू तो फोर्टी टू इंटू फिफ्टी सोल कर लीजिए आंसर आ जाएगा कितना हो जाएगा बच्चों इक्कीस सौ क्लियर हो गया होगा सी पी इक्कीस सौ ये चाहिए तो फोर्टी इंटू पच फोर्टी एट इंटू पचास कर दीजिए ये चाहिए तो फोटी नाइन इंटू फिफ्टी कर दीजिए जो चाहिए वो लेके आइए अच्छा फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में क्या अंतर है यहाँ पर अंतर ये आ गया बच्चों कि आपको गोला नहीं दे रखा था लेकिन ये क्लियर कर रखा था कि वन बाई सेवन जुड़ेगा जो भी मानोगे उसका और वन बाई सिक्स जुड़ेगा जो भी मानोगे उसका तो ऐसा ही ले लो ना जो सात और छः दोनों से कट जाए ताकि कोई पॉइंट में आए ही नहीं तो सात और छः दोनों से कटने वाला क्या है फोर्टी टू तो फोर्टी टू में ये जुड़ के ये बना और फोर्टी टू में ये जुड़ के ये बना तो पहले जाता था फोर्टी एट और अब कितने का जा रहा है फोटी नाइन तो कॉमन सी बात है दोनों का अंतर एक है और एक का मतलब कितना पचास और पचास से सभी गोलों को मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि माना है ये माना माना और माना और इन मानवी का मतलब में एक का मतलब कितना है पचास तो पचास से मल्टीप्लाई कर दीजिए सब कुछ आ जाएगा क्लियर हो गया होगा हाँ ये सब पढ़ा रखा है मैंने कहाँ पर पढ़ा रखा है टाइप टू देखिए वीडियो नंबर टू देखिए जहाँ पर मैंने लिंकिंग बताई थी लिंक कैसे करते हैं किस तरीके से क्वेश्चन करवाएं उनको देखिए मैं तो फिर क्लियर कर रहा हूँ मैं पूरे टॉपिक की लिंक से पढ़ाऊँगा अगर प्रॉफिट लॉस पूरा सीखना है आपको हंड्रेड परसेंट सीखना है कभी एक नंबर भी नहीं कटे पूरा डी आई सी के ऊपर टिका हुआ है आपको ढंग से चलना होगा सीरियल वाइज पढ़ना होगा पूरा वीडियो देखना होगा दस मिनट पंद्रह मिनट के वीडियो देखने से कुछ भी नहीं होगा आप जो करते हो ये सर का मेथड उस सर का मेथड शॉर्टकट राम बाण, लक्ष्मण बाण, सीता बाण, किसी की कोई जरूरत नहीं है किसी शॉर्टकट की जरूरत नहीं है सारी मैथ एक ही तरीके से हो जाएगी आप लेकिन टाइम निकालो टाइम निकाल के देखो कि किस तरीके से ये पूरा टॉपिक बनाए सीरियल वाइज चन्ना होगा डायरेक्ट फोर्थ पे मत आइए क्योंकि लिंकिंग में पहले पढ़ा चुका हूँ बार बार मैं इतना नहीं समझा सकता मैं केवल आज आपको ये समझा रहा हूँ फ्रैक्शन हो तो क्या करें चलिए अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन क्वेश्चन को पढ़ते हैं किसी वस्तु का कर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात यह कॉमन सी बात है बच्चों अनुपात दे रखकर तो अनुपात देख एक बार बताइए जब मैं मानता हूँ किसी चीज़ को माना ये चीज़ शो है जुड़ के ये बन गई अब ये बन गई तो रेशो ही तो आते हैं ना फिर एक का मतलब निकाल लेते हैं और एक का मतलब निकाल के उनसे कंपेरिजन कर देते हैं अगर कोई रेशो ही देते दे दे डायरेक्ट तो फिर क्या होगा इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या क्या था मैंने फोर्टी टू माना था फिर ये आ गया था इससे ये आ गया था और एक का मतलब आ गया था तो एक रेशो का मतलब आया था एक का मतलब आ गया उससे मल्टीप्लाई कर दिए सभी गोलो की वैल्यू आ गई और अगर कोई रेशो देते दे आपको कोई दिक्कत नहीं है प्रतिशत तो रेशो से भी आ जाता है लिंकिंग रेशो से भी बन जाती है जैसे कहे वैसे वैसे करते जाओ क्या कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य क्रय मूल्य कितना है ये बीस अनुपात तेईस के अंदर अगर ये ट्वेंटी है तो ये कितना है बच्चों ट्वेंटी थ्री ये आपका रेशो है कोई दिक्कत नहीं ये क्या दे रखा है सी पी ये क्या दे रखा है एस पी यानी रेशो है यदि बेचने पर साठ रुपये का लाभ हुआ मेरे हिसाब से जो लाभ है जो आपका प्रॉफिट है वो रेशो के अंदर कितना है तो जो प्रॉफिट है वो रेशो के अंदर है तीन जो प्रॉफिट है वो रेशो के अंदर कितना है बच्चों तीन क्योंकि ट्वेंटी में खरीद के ट्वेंटी थ्री में बेच रहा है तो प्रॉफिट कितना है तीन आपको लिंकिंग क्या दी है कि जो लाभ है वो साठ रुपये का होता है तो बच्चों तीन रेशो का मतलब तीन रेशो का मतलब कितना रुपया हो गया साठ बहुत ईजी सा क्वेश्चन है बिल्कुल नर्सरी लेवल का क्वेश्चन है लेकिन मैं आपको इतना समझा रहा हूँ जब अपन मानते तो वो भी तो रेशो ही आता था और कोई रेशो डायरेक्ट दे दे तो कॉमन सी बात है सीपी एसपी प्रॉफिट और प्रॉफिट दे रखा है तो रेशो में तो तीन प्रॉफिट है तो तीन का मतलब ये कितना हो गया साठ हो गया तो बच्चों यहाँ पर आइए एक का मतलब एक रेशो का मतलब कितना हो गया तो एक रेशो का मतलब बीस हो गया अब क्या करें अपन सभी गोलों को गुणा कर दो अच्छा इसको गुणा करना है लीजिए बीस इंटू बीस बीस से क्यों गुणा किया समझ में आ गया होगा एक रेशो का मतलब बीस है अच्छा ये क्या चीज़ है ये रेशो है ये क्या चीज़ है ये रेशो है ये क्या चीज़ है ये रेशो है अच्छा ये क्या चीज़ है ये प्रॉफिट है किसके अंदर है रेशो के अंदर अच्छा ये क्या चीज़ है ये रुपया है तो एक रेशो का मतलब बीस रुपया तो बीस रेशो का मतलब बीस इंटू बीस कितना हो गया बच्चों चार सौ अच्छा ये करना है तो ये कर दीजिए आप तो तेईस इंटू क्या कर दीजिए बीस कर दीजिए ये कितना हो गया बच्चों क्लियर है तो इस तरीके से अपन कर सकते हो चलिए बताइए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था गोला भरा हुआ था सेकंड में क्या था गोले खाली थे मान लिया था तीसरे में क्या था गोले उसने खुद नहीं भर दिया कि रेशो में ये है। और प्रॉफिट इतना है तो लिंकिंग करके एक का मतलब निकाल लिया और उस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया फिर मैं क्लियर कर देता हूँ पूरी लिंकिंग पढ़ा दी थी पूरी की पूरी लिंकिंग पढ़ा चुका हूँ वीडियो नंबर टू के अंदर एक बार उस वीडियो को देखिए लेकिन वीडियो टू जब समझ में आएगा जब वीडियो वन देखोगे बार बार इसलिए बोल रहा हूँ बच्चे क्या करते हैं यूट्यूब पे जाते हैं जो दिमाग में आ गया उसको देखना स्टार्ट कर देते हैं लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं होगा मेरे केस में आपको फर्स्ट वीडियो से लगा के फिफ्थ वीडियो तक सीरियल वाइज देखना होगा तभी आपको मैथ समझ में आएगी चलिए तो अब तक क्या देखा अपन ने कि प्रॉफिट लॉस सी पे निकाला जाता है अब अगर वो ये कहते हैं कि प्रॉफिट एम का परसेंट हुआ या एस का परसेंट हुआ तो कोई बात नहीं अपन को तो सब कुछ पता है इधर खरीदा जाता है इधर बेचा जाता है एरो के ऊपर क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस जो भी कुछ बोले वो अलग से बना के लिख दो ख़त्म देखिए एक व्यक्ति किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पे इतने परसेंट की हानि पे बेचता है अच्छा प्रॉफिट लॉस क्या होता है इधर क्या होता है क्या होता आपका सीपी इधर क्या होता है एसपी अगर कुछ नहीं देता है प्रॉफिट लॉस ही देता है तो डायरेक्ट यहाँ लिख देता क्यों क्योंकि प्रॉफिट लॉस सी और एस के बीच की कड़ी है और सी के ऊपर निकलता है लेकिन अगर वो ऐसे बोले एक व्यक्ति किसी वस्तु को विक्रम मूल्य पर इतने परसेंट की हानि पर बेचता है अच्छा आप बताइए जो हानि हो रही है वो किसकी हो रही है विक्रम मूल्य की ये लीजिए विक्रम मूल्य की अलग से बना दो तभी भी वो कुछ ऐसा बोले लैंग्वेज को यूज़ करें कि जो हानि हो रही है वो विक्रम मूल्य की हो रही है कौन हानि किसकी विक्रय मूल्य की हानि विक्रय मूल्य की इतना परसेंट है एट वन बाई थ्री परसेंट लाइन पढो एक व्यक्ति किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पे इतने परसेंट की हानि पे बेचता है यानी हानि है वो विक्रय मूल्य की इतना परसेंट प्रॉफिट लॉस इसको कहते हैं इसको नहीं कहते ये तो लैंग्वेज है कि हानि विक्रय मूल्य की इतना परसेंट अलग बना दो लैंग्वेज को अच्छा इसको सोल्व करें तो ये एट वन बाई थ्री परसेंट है ज़्यादा नहीं है कम नहीं है प्रॉफिट नहीं है लॉस नहीं है सिंपल सा क्वेश्चन है परसेंटेज का क्वेश्चन है कि हानि विक्रम मूल्य की इतनी परसेंट एट वन बाई थ्री परसेंट एट वन बाई थ्री परसेंट प्रॉफिट नहीं है ये प्लस नहीं है माइनस नहीं है डायरेक्ट कह रहा है एट वन बाई थ्री परसेंट है हानि किसकी विक्रम मूल्य की ये कितना हो गया ट्वेंटी फाइव अपॉन थ्री नीचे कितना हंड्रेड बाई ट्वेल्व मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा क्यों क्योंकि यानी ये बोलो जो हानि है वो विक्रय मूल्य की वन बाई चीज और ये चीज सेम ही है अच्छा मैं पहले वाले क्वेश्चन में प्लस लिखता था इसका मतलब इसमें ये जुड़ के ये आएगा प्रॉफिट हो रहा था लॉस हो रहा था यहां पर तो डायरेक्ट लैंग्वेज है कि हानि है वो विक्रय मूल्य की इतनी परसेंट हानि विक्रय मूल्य की इतनी परसेंट तो आप बताइए इतनी परसेंट है तो ये नीचे जहां से एरो निकलती है कौन हानि लैंग्वेज यूज करो हानि विक्रय मूल्य की हानि विक्रय मूल्य की या यहां मत कर देना ये तो अलग है यहां जो भी प्रॉफिट लॉस आता है वो सीपी के ऊपर आता यह मानो और यहां सेट कर दो कौन हानि किसकी विक्रय मूल्य की इतनी परसेंट एक व्यक्ति किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर इतने हानि पे बेचता है विक्रम मूल्य पर हानि है हानि विक्रय मूल्य की इतनी परसेंट यानी वन बाई ट्वेल्व अब बच्चों ये अगर बारह है तो ये कितना हो गया एक क्योंकि बारह का एक बटा बारह हानि हो जाएगी मतलब एक हो जाएगा इसको भर देते हैं अपन बारह हानि की जगह कितना आ गया एक हानि क्या होती है माइनस माइनस एक इसमें से ये घटाते हैं यह आता है सबको पता है इसमें से ये घटाते हैं यह आता है तो इसमें यह जोड़ो यह आ जाएगा बच्चों ये तेरह होगा देखो आप ये रेशो बन गया आपका जो पहले वाला क्वेश्चन था वो रेशो का था तो ये रेशो बन गया अगर वो ये कहता हानि विक्रम मूल्य से इतना परसेंट ज्यादा है तो यहीं पर प्लस कर देते अपन एट वन बाई थ्री परसेंट ज्यादा है कौन हानि किससे विक्रय विक्रम मूल्य से देखते हैं पहले इसको देख लेते हैं बताओ क्वेश्चन बोल के बताओ हानि विक्रम मूल्य की एट वन बाई थ्री परसेंट है, है।, है। हानि ज़्यादा नहीं है हानि कम नहीं है हानि इस विक्रम मूल्य की है हानि विक्रम मूल्य की वन बाई ट्वेल्व है तो ये ट्वेल्व है तो वो वन है अपनी जो एक्चुअल लोकेशन वहां वहाँ लिख दो, दो वैल्यू है तीसरी आ जाएगी मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है तो आप बताइए हानि कितनी है एक विक्रम मूल्य क्या है बारह बारह यहाँ आ गया हानि की जगह यह आ गया हानि माइनस होती है ये क्या बताता है इसमें से ये घटाते हैं तो ये आता है प्लस होता तो इसमें ये जोड़ते हैं तो ये आता अपन को ये पता ये पता और इन दोनों से फिर ये पता क्योंकि तेरह में से एक गया तो बारह ये रेशियो की तरह बन गया अब वो कह रहा है वास्तविक हानि बताइए लीजिए वास्तविक लॉस आ जाएगा एक का लॉस हुआ किसके ऊपर तेरह इंटू सौ आंसर आ जाएगा हंड्रेड अपॉन्ट थर्टीन परसेंट इसका आंसर है बच्चों हंड्रेड अपॉन्ट थर्टीन परसेंट क्लियर हो गया होगा हंड्रेड अपॉन्ट थर्टीन परसेंट का क्या हो गया लॉस ये वास्तव हानी अच्छा क्या मैसेज दिया इस क्वेश्चन में वो कुछ भी बोल सकता है वो हानि एस पे भी निकाल सकता है हानि विक्रय मूल्य की कौन किसका कौन किससे ज्यादा है कौन किससे कम है तो हानि विक्रय मूल्य का एट वन बाय थ्री परसेंट है मतलब वन बाई ट्वेल्व है वन बाई ट्वेल्व ज्यादा नहीं है वन बाई ट्वेल्व है तो फिर क्या करेंगे ये बारह है तो वो एक है हानि में डालो बा आ, एस पी में डालो बारह हानि में डालो एक और यहाँ पर यह आ जाएगा यह एरो बन गई एक्चुअल प्रॉफिट लॉस आपका यह है और लैंग्वेज वो कुछ भी यूज करे अपन कर सकते तो इस क्वेश्चन को अपन वापस देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पे इतने परसेंट हानि पर बेचता है आज तक तो अपन ने यही देखा था कि प्रॉफिट लॉस सीपी के ऊपर होता है और बाय डिफ़ॉल्ट अगर कुछ भी नहीं दे तो डायरेक्ट एरो के ऊपर रख दीजिए सीपी के ऊपर प्रॉफिट लॉस हो जाएगा प्रॉफिट लॉस की एक्चुअल लोकेशन ये है लेकिन वो तभी है जब वो प्रॉफिट लॉस किसके ऊपर होता है सी डिस्काउंट के एरो कहाँ से निकलती है एम एक्स्ट्रा की एरो ओ कहाँ से निकलती है सी सब कुछ पढ़ा रखा है मैंने जब मैंने एम डिस्काउंट पढ़ाया था वीडियो थर्ड तो उसके अंदर ये सब कुछ मैंने बता दिया था आज अपन आगे बढ़ते हैं एक बार वापस इस क्वेश्चन को देख लेते हैं एक व्यक्ति किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पे इतने परसेंट की हानि पे बेचता है इस एरो के ऊपर सबको पता है सीपी इधर आता है एसपी इधर आता है और प्रॉफिट लॉस आपका यहां पर आता है लेकिन लैंग्वेज लें। को देखिए लैंग्वेज कुछ अलग ही बोल रही है एक व्यक्ति किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पे इतने परसेंट की हानि पे बेचता है कि जो हानि हो रही है वो किसकी हो रही है विक्रय मूल्य की और कितने परसेंट हो रही है एट वन बाई थ्री परसेंट हो रही है ज़्यादा नहीं हो रही है कम नहीं हो रही है हानि इसका इतना परसेंट है तीन तरीके की लैंग्वेज होती है एक तो बढ़ रहा है जैसे प्रॉफिट है तो वो चीज़ बढ़ रही है लॉस है तो वो चीज़ घट रही है एक है हानि इसका इतना परसेंट है इसको सोल्व किया था तो ये कितना आ गया था वन बाई ट्वेल्व आ गया था अच्छा वन बाई ट्वेल्व आया था तो कॉमन सी बात है ये ट्वेल्व है तो कॉमन सी बात है ट्वेल्व का वन बाई ट्वेल्व करेंगे तो हानि कितना वन है हानि ज़्यादा नहीं है बच्चों हानि है विक्रय मूल्य की इतना परसेंट हानि है विक्रय मूल्य की इतना परसेंट यानी हानि है विक्रय मूल्य का वन बाय ट्वेल्व तो ट्वेल्व का वन बाय ट्वेल्व करेंगे तो ये क्या होगा वन चलिए ये मैंने निकाल लिया दो वैल्यू है तीसरी आ जाती है विक्रय मूल्य आपका बारह है हानि आपकी एक है हानि का साइन माइनस है इसमें से ये घटाते हैं यह आता उल्टा चलो इसमें यह जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा अब आपको हानि प्रतिशत वास्तविक चाहिए तो वास्तविक कहानी सबको पता है किस पे होती है वास्तविक जो लॉस होता है बच्चों वो सीपी पे होता है तो एक का लॉस है किसके ऊपर तेरह इंटू सौ मेरे हिसाब से इतने परसेंट का क्या हो गया लॉस किसी फॉर्मूले की क्या जरूरत पड़ी सी पी एस पी के ऊपर प्रॉफिट अगर सी पी के ऊपर प्रॉफिट लॉस दे तो डायरेक्ट एरो के ऊपर रख दीजिए अगर सी पी के ऊपर ही नहीं दे किसी और के ऊपर दे या कोई भी लैंग्वेज यूज करे पहले लैंग्वेज को यूज कर लो और फिर उसको एरो के ऊपर रख दो देखो एक दो एग्जाम्पल और देता हूं मैं इसके देखिए इस एग्जाम्पल को देखो यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अस्सी परसेंट कॉमन सी बात है लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ रही है अपन को तो ये पता है ना प्रॉफिट लॉस ये होता है ये सीपी होता है ये एसपी होता है और प्रॉफिट लॉस यहां पर आ जाता है दो वैल्यू होती है तीसरी आ जाती है लेकिन लैंग्वेज यूज की है यदि क्रय मूल्य ये लीजिए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का विक्रय मूल्य का अस्सी परसेंट है ये लीजिए अस्सी परसेंट कौन अस्सी परसेंट है कर मूल्य उधर किसका विक्रय मूल्य इधर कौन है किसका है कौन ज्यादा है किससे ज्यादा है कौन कम है किससे कम है सब परसेंटेज में आपको पढ़ा देंगे लेकिन वर्ड तीन ही है या तो परसेंट है या ज्यादा है या कम है यहाँ पर कह रहा है करय मूल्य विक्रय मूल्य का अस्सी परसेंट है तो आप बच्चों ये परसेंट है सिंपल है कोई दिक्कत नहीं ये सो है तो सो का अस्सी परसेंट ये कितना हो गया अस्सी सौ का अस्सी परसेंट कितना हो गया अस्सी या फिर एक काम करो फ्रैक्शन में बदल लो जैसे करना है वैसे कर लो गोले में भर दो ये कितना अस्सी ये कितना हो गया सौ लाभ हो गया कितने का बीस सबको पता है ये रेशियो बन गया आपका लाभ प्रतिशत बताइए तो वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए लीजिए प्रॉफिट प्रतिशत डायरेक्टली प्रॉफिट प्रतिशत ट्वेंटी अपॉन एट्टी इंटू हंड्रेड कैंसिल कर दो पच्चीस परसेंट का प्रॉफिट हो गया प्रौ ऐसे करोड़ों लैंग्वेज बन सकती है बच्चों करोड़ों लैंग्वेज वो ज़्यादा है इससे ज़्यादा है वो कम है इससे कम है कुछ भी कर दीजिए क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा मेरे हिसाब से वो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा चलो अब इसको भी देख लेते हैं पर चलो ये बताओ ये क्वेश्चन क्या बना ये क्वेश्चन क्या बना उसको छोड़ दो ये क्वेश्चन क्या बना बताइए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 20 परसेंट कम है क्या बना क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 20 परसेंट कम है तो लाभ हानिपाति सर बताइए बोलो ये सौ है 20 परसेंट कम है तो ये कितना हो गया अस्सी अच्छा अब करना क्या है यह विक्रय मूल्य है मूल्य में सौ डालिए क्रय मूल्य में कितना डालिए अस्सी डालिए यहाँ लाभ कितना बीस हो गया तीनों और एक सौ हो गए ओरिजिनल लाभ प्रतिशत आ जाएगा अच्छा मान लो यही क्वेश्चन ऐसा होता अब बताओ क्या हो जाएगा ये सौ है तो ये एक सौ बीस है पुट कर दीजिए गोले भर दीजिए ओरिजिनल लाभ प्रतिशत आ जाएगा अच्छा कुछ भी हो आप कर सकते हो लैंग्वेज करोड़ों बन सकते हैं कितने फॉर्मुलेट हो गए जो भी बोल रहा है वो अलग से भर दो और उस एरो के ऊपर रख दो जहाँ प्रॉफिट लॉस कीयर हो क्या होता है प्रॉफिट लॉस में इधर सीपी होता है इधर एसपी और एरो के ऊपर क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस एक क्वेश्चन हो लेते हैं बच्चों देखते हैं अपन ये क्वेश्चन उठाइए यदि एसपी विक्रय मूल्य लाभ से इतना परसेंट ज्यादा है अब की बार क्या बोला विक्रय मूल्य ज्यादा है किससे लाभ से लाभ इधर विक्रय मूल्य उधर ये लीजिए यदि एसपी यानी जो विक्रय मूल्य है विक्रय मूल्य so, है वो किससे ज़्यादा है वो लाभ से ज़्यादा अच्छा ज़्यादा है वर्ड यूज किया उसने ज़्यादा है एक तो है विक्रय मूल्य लाभ का इतना परसेंट एक है विक्रय मूल्य लाभ से इतना ज़्यादा है एक है विक्रय मूल्य लाभ से इतना परसेंट कम है यही तो लैंग्वेज बन सकती है तीन या तो ज़्यादा है या कम है या इसका प्रतिशत चलिए बोलो कितना प्रतिशत फोर्टी टू सिक्स बाई सेवन ये चौदह सही एक बटा सात का फोर्टीन वन बाई सेवन परसेंट का तीन गुना है फोर्टीन अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले फोर्टीन टू बाई सेवन परसेंट का कितना गुना है तीन देखिए इसका तीन गुना ये और इसका तीन गुना ये है और ये कितना होता है वन बाई सेवन तो ये कितना है थ्री बाई सेवन ज़्यादा का साइन क्या है प्लस है अगर देखिए ज्यादा का साइन प्लस है कम का साइन माइनस है थ्री बाई सेवन है अगर ये सेवन लेता हूँ मैं तो सेवन में थ्री बाई सेवन जुड़ेगा मतलब कितना जुड़ेगा थ्री तो ये कितना हो जाएगा टेन सेवन प्लस थ्री ये कितना हो जाएगा टेन वास्तविक लाभ बताइए तो वास्तविक लाभ कैसे निकलेगा लाभ कितना हो गया सात विक्रम मूल्य कितना दस इसमें ये जुड़ता है तो ये आता है इसमें से ये घटता है तो ये आएगा वास्तविक लाभ जो प्रॉफिट प्रतिशत है वास्तविक वो सेवन अपॉन थ्री इन टू हंड्रेड यानी सात सौ बटा तीन परसेंट का क्या हो जाएगा लाभ मेरे हिसाब से लैंग्वेज क्लियर हो गई होगी बच्चों अभी इसी क्वेश्चन को मैं तीन चार तरीके से आपको समझा रहा हूं इधर देखिए आप आप बताओ ये क्या चीज लिखी मैंने जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें बताइए ये क्या लिखा मैंने यदि विक्रय मूल्य लाभ से यानी प्रॉफिट से कितना ज्यादा है फोर्टी टू फोर्टी टू सिक्स बाय सेवन परसेंट ज्यादा एक तो मेरा क्वेश्चन यह फोर्टी टू सिक्स बाय सेवन परसेंट ज्यादा एक मेरा क्वेश्चन यह है विक्रय मूल्य लाभ का फोर्टी टू लाभ का लाभ का फोर्टी टू सिक्स बाय सेवन परसेंट और एक मेरा क्वेश्चन यह कि जो विक्रय मूल्य है वो लाभ से फोर्टी टू सिक्स बाई सेवन परसेंट कम है कोई बात नहीं जैसे लैंग्वेज बोलोगे वैसा क्वेश्चन बन जाएगा विक्रय मूल्य लाभ का इतना परसेंट है विक्रय मूल्य लाभ से इतना परसेंट ज्यादा है विक्रय मूल्य लाभ से इतना परसेंट कम है और हर केस में लाभ आने प्रतिशत देखिए इसमें निकाल लेते हैं इसमें निकाल लेते और इसमें निकाल लेते चलो बोल के बताओ पहला क्वेश्चन क्या है विक्रय मूल्य लाभ से इतना परसेंट कम है विक्रय मूल्य लाभ से इतना परसेंट कम है विक्रय मूल्य लाभ से इतना परसेंट ज्यादा है और विक्रय मूल्य लाभ का इतना परसेंट ये देखिए ये कितना है ये थ्री बाई सेवन अच्छा ये सात है तो विक्रय मूल्य कितना है तीन तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि लाभ कितना सात अच्छा लाभ या सात है तो ये कितना तीन ये तो पॉसिबल है ही नहीं इसका मतलब ये क्वेश्चन बन ही नहीं सकता क्योंकि इसमें ये जोड़ेंगे तो ये कैसे आ जाएगा यहाँ आ जाइए जो बन सकता है वो ले लेंगे जो नहीं बन सकता उसको छोड़ो कि सात जोड़ेंगे तो तीन कैसे आ जाएगा बच्चों क्रय मूल्य विक्रय मूल्य नेगेटिव तो होते ही नहीं है ये तो खरीदा और बेचा है वो चीज़ है तो ये क्वेश्चन तो वैलिड है ही नहीं इस क्वेश्चन को देखिए ये क्या कह रहा है थ्री बाई सेवन अच्छा ये सात है तो ये तीन जुड़ के ये कितना हो गया दस ये वैलिड है कि यहाँ लाभ सात है ये कितना दस और क्रम मूल्य तीन तो वास्तविक लाभ सेवन बाई थ्री इंटू हंड्रेड हो जाएगा अच्छा ये क्या कह रहा है ये कह रहा है थ्री बाई सेवन है अच्छा बच्चों ये सात है तो विक्रम मूल्य कितना हो गया चार लेकिन बच्चों ये वैलिड है ही नहीं क्योंकि लाभ अगर सात है तो सात जुड़ के किसी चीज़ में ये आता है तो ये भी वैलिड नहीं है लेकिन मेरे को तो आपको लैंग्वेज समझानी थी तीन तरीके की लैंग्वेज होती है एक तो ज़्यादा है एक कम है और एक है 20 प्रतिशत ज़्यादा है ये सो है तो 120। 20 प्रतिशत कम है ये सो है तो 80। और 20 प्रतिशत ही है ये सो है तो 20। और फिर इनको अपनी लोकेशन पर रख दो कॉमन सेंस लगाओ क्रय मूल्य विक्रय मूल्य नेगेटिव नहीं होते हैं लाभ रुपए में नेगेटिव नहीं होता है कॉमन सी बात है ये रुपए की बात है रुपए नेगेटिव नहीं होते क्या चलेगा और क्या नहीं चलेगा इसका ध्यान रखना है बाकी ये सब परसेंटेज में आ जाएगा चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं मैंने इसमें लैंग्वेज समझाने की कोशिश की है कौन ज्यादा है किससे ज्यादा है कौन कम है किससे कम है और कौन है किसका प्रतिशत है भर लो ओरिजिनल एरो क्या है इधर सी है इधर एस है और एरो के ऊपर क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है एक दुकानदार किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पे इतने परसेंट का प्रॉफिट कमाता है आप बताओ लैंग्वेज पढ़ लिया आपने एक दुकानदार किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पे इतने परसेंट का प्रॉफिट कमाता है विक्रय मूल्य पे लाभ कमाता है लाभ है वो किसका विक्रय मूल्य का लैंग्वेज देखिए आप कितना है सिक्सटीन टू बाई थ्री परसेंट है लाभ विक्रय मूल्य का सिक्सटीन टू बाई थ्री परसेंट है ये नहीं बोल रखा कि लाभ विक्रम मूल्य से इतना परसेंट ज्यादा है ये नहीं बोला लाभ विक्रम मूल्य से इतना परसेंट कम है ये नहीं बोला कौन है किसका है कौन उधर रहता है किसका इधर रहता है मैथमेटिक्स बिल्कुल क्लियर है एरो बनानी आ जानी चाहिए लाभ है विक्रम मूल्य का है सिक्सटीन टू बाई थ्री परसेंट है आप बताइए ये वन बाई सिक्स है विक्रम मूल्य अच्छे है तो लाभ कितना एक एरो के ऊपर रख दीजिए विक्रम मूल्य छे लाभ प्लस का होता है एक इसमें यह जुड़ता है यह आता है तो इसमें से ये घट के ये आ जाएगा कितना पाँच और प्रॉफ़िट होगा एक वन बाई फाइव इंटू हंड्रेड यानी प्रॉफिट हो जाएगा आपका कितना परसेंट बीस परसेंट तो वास्तविक प्रॉफिट कितना हो गया बच्चों बीस परसेंट मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा क्या कहना चाह रहा हूँ बिल्कुल क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर इतने परसेंट का प्रॉफ़िट कमाता है विक्रय मूल्य का इतना परसेंट प्रॉफिट कमाता बिल्कुल क्लियर है विक्रय मूल्य का इतना परसेंट प्रॉफिट कमाता है यानी जो लाभ है वो विक्रय मूल्य का इतना परसेंट है वन बाई सिक्स है ये सिक्स है तो ये वन है दो तो वैल्यू है तीसरी आ जाती है विक्रय मूल्य छः लाभ एक है दो तो वैल्यू से तीसरी आ गई लाभ प्रतिशत ओरिजिनल आ जाएगा अब अपन आगे बढ़ते हैं देखिए अब बच्चों अब तक जो भी मैंने क्वेश्चन करवाए उसमें लैंग्वेज थी लैंग्वेज आपके क्लियर हो जानी चाहिए क्या क्या पढ़ाया मैंने मैं क्लियर कर देता हूँ फ्रैक्शन है सिक्सटीन टू बाई थ्री है फोर्टीन टू बाई सेवन है इलेवन वन अपॉ नाइन है एट वन बाई थ्री परसेंट है फ्रैक्शन में चेंज कर लो फ्रैक्शन से डेफिनेशन बना दो लाभ है तो ये मान के जोड़ के ये लिख दो हानि है तो ये मान के ऊपर का घटा के ये लिख दो और इतना प्रतिशत है कोई लैंग्वेज ऐसी है जो सीपी से निकल ही नहीं रहा प्रॉफिट लॉस की एस पी से बोल रहा है या किसी और चीज़ से बोल रहा है अलग बना दो अलग बना के डेटा को सेट करो तीन तरीके की लैंग्वेज होती है या तो कम है या ज़्यादा है या फिर प्रतिशत या तो दो ज़्यादा है या दो कम है या दुगना है तो वैसा ही कंसेप्ट है या तो 25 परसेंट ज़्यादा है तो ये सो है तो 125 या 25 परसेंट कम है ये सो है तो पिचहत्तर या 25 परसेंट है ये सो है तो 25 फिर इनको सैरों के ऊपर ले जा कर रख दो ये ये आ गया तो ये आ जाएगा दो है तो ये आ जाएगा ये दोनों है तो ये आ जाएगा और जैसे ही आता है वास्तविक प्रॉफिट लॉस भी आ जाएगा अब तक मैंने इतना आपको पढ़ा दिया थोड़ी प्रैक्टिस करो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वीडियो पहले देखिए ताकि आपका माइंड एक्टिव हो जाए आज मैं आपको क्या बता रहा हूँ कोई भी लैंग्वेज आए तो किस तरीके से सोल्व करेंगे पूरा परसेंटेज लैंग्वेज है बच्चों पूरा परसेंटेज दस मिनट का है केवल मात्र दस मिनट का है आप देखिए मेरे वीडियो जब मैं परसेंटेज पढ़ाऊंगा तब आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से परसेंटेज प्रॉफिट लॉस से ही अपन निकाल देंगे चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को पढ़ू किसी वस्तु को सात सौ सत्तर रुपये में बेचने से होने वाला लाभ चार सौ तीस रुपये में बेचने से होने वाली हानि के बराबर क्या कहना चाह रहा है सिंपल क्वेश्चन है कुछ भी नहीं ऐसे ही समझा देता हूँ ये सी होता है अच्छा सात सौ सत्तर रुपये में बेच रहे हो तो क्या हो रहा है आपको लाभ भाई सी से ज़्यादा में बेचा आपने तो लाभ हो रहा है और चार सौ तीस रुपये में बेच रहे हो तो क्या हो रही है आपको हानि और जो ये लाभ हानि हो रही है ये दोनों क्या है बराबर सात सौ सत्तर में बेचा तो लाभ हो रहा है आपको और इतने में बेचा तो हानि हो रही है आपको और जितना ये लाभ है उतना ही क्या है ये हानि है कॉमन सी बात है बच्चों ये सी क्या होगा इन दोनों के कई बीच में आएगा कॉमन सी बात है सीपी से ज़्यादा में बेच रहे हो तो लाभ हो रहा है सीपी से कम में बेच रहे हो तो हानि हो रही है और लाभ और हानि जो हो रही है वो दोनों क्या है बराबर इस केस में जो लाभ हो रहा है और इस केस में जो हानि हो रही है वो आपस में क्या है बराबर तो सीपी बताइए सीपी का है इन दोनों के बीच में या तो एक तरीका ये है दोनों को जोड़ लो 430 दोनों को जोड़ लीजिए और इसका आधा करते ही इनका बीच निकल के आ गया कितना 600 तो सीपी कितना हो गया बच्चों 600 या फिर कंसेप्ट को समझ लो कि ये कहना क्या चाह रहा है वो भी देख लीजिए अच्छा बच्चों ये 600 सीपी हो गया लेकिन वो सीपी नहीं पूछ रहा आगे क्या पूछ रहा है तो इतने का लाभ कमाने के लिए वस्तु कितने में बेची जाए ऐबा बताओ लाभ किसमें निकलता है बच्चों सीपी पे तो सीपी पे कितना कमाना है उसको सिक्सटीन टू बाई थ्री परसेंट कमाना है या फिर वन बाई सिक्स कमाना है अब बच्चों ये छः है तो लाभ कमा के उधर बेचना है तो छः नीचे है तो ये कितना हो गया सात छः को आपको खींचना है किधर खींचना है उधर सेवन बाई सिक्स तो इसका मतलब आपको कितने में बेचनी चाहिए सात सौ ये क्वेश्चन का आंसर है मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा वापस समझो सात सौ सत्तर में बेचता था तो लाभ होता था और चार में बेचता है तो हानि हो रही है और जितना लाभ हो रहा था उतनी ही हानि हो रही है इसका मतलब सी इन दोनों के बीच में सीपी आ गया 600 सीपी नहीं पूछा उसने कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है ये नहीं पूछा उसने क्या पूछा है अगर 16 से ही दो बटा तीन परसेंट का लाभ कमाना है तो इसे कितने में बेचे तो लाभ 16 से ही दो बटा तीन परसेंट फ्रिक्शन है 1 बाई सिक्स का लाभ कमाना है ये छः तो वो सात है 600 को झटका दीजिए उधर कितना हो जाएगा सात अच्छा मान लो ऐसे नहीं करना चाहो इसके मेथड को भी समझ लो आप क्या कहना चाह रहा है इधर देखिए आप इसी क्वेश्चन को अगर वापस करना चाहते हो तो देखिए ऐसे भी कर सकते हो कि सीपी है और लाभ कमाना है तो ज्यादा में बेचेगा सात सौ सत्तर रुपए में बेचा और हानि उठाना है तो इतने में बेच रहा है वो कॉमन सी बात है लाभ कमाना है तो एसपी ऊपर होगा हानि है तो एसपी नीचे होगा अच्छा बच्चों एक बार बताइए अपन को सीपी निकालना है कह क्या रहा है लाभ और हानि दोनों क्या है बराबर माना सीपी एक्स रुपये तो बच्चों इन दोनों में से बड़ा कौन है ये है तो सात सौ सत्तर माइनस एक्स ये लाभ हो गया आपका क्या चीज़ है ये लाभ है अच्छा बच्चों याद रखिए सात सौ सत्तर में से क्यों घटाया क्योंकि रुपए कभी नेगेटिव नहीं होते हैं इतने में ख़रीदा इतने में बेचा लाभ हुआ कितने का हुआ बड़े में से छोटे को उठाओ इतने रुपए का लाभ हुआ अच्छा यहाँ हानि क्या हुई इस केस में ये बड़ा है तो x माइनस फोर थर्टी इतने रुपए की क्या हो गई हानि भाई इतने में खरीद के इतने में बेचेगा तो इतने का लाभ होगा और इतने में खरीद के इतने का बेचेगा तो इतने की हानि होगी यहाँ सेवन सेवेंटी में से घटाए क्यों क्योंकि लाभ कमा रहे हो ये ज़्यादा है बड़े में से छोटे को घटाते हैं लाभ रुपये में नेगेटिव हो ही नहीं सकता पॉजिटिव आएगा बड़े में से छोटे को इस केस में बड़ा ये है इसमें से ये घटाऊँ क्वेश्चन कह रहा है ये दोनों बराबर है वन सेवेंटी माइनस एक्स और एक्स माइनस फोर थर्टी दोनों बराबर है यानी वन रेशो वन का रेशो यानी जितना ये उतना ही है उतना ये है वन रेशो वन का रेशो सोल्व कर लो इसको ये लीजिए सेवन सेवनटी माइनस एक्स बराबर एक्स माइनस फोर थर्टी इस एक्स को उधर ले जाइए क्या हो गया टू एक्स और इसको इधर ले आइए कितना हो गया बारह सौ और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई छह सौ रुपये और एक्स क्या माना था आपने सीपी तो ये आपका क्या हो जाएगा सीपी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा अब अगर सीपी पूछे तो ये हो जाएगा और इस पर प्रॉफिट कमाना है कितने का सिक्सटीन टू बाई थ्री परसेंट का इसका मतलब प्रॉफिट कमाना है वन बाई सिक्स का तो बच्चों प्रॉफिट है ये ये क्या चीज़ है प्रॉफिट प्रॉफिट कमाना है यानी प्लस वन बाई सिक्स कमा के बेचेगा ये छः तो वो सात है और इसको झटका दीजिए वो आ जाएगा मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा अच्छा इसमें कोई ये कहे कि नहीं सर ये लाभ दुगना है तो ये एक हो जाएगा ये दो हो जाएगा नहीं सर हानि दुगनी है तो ये एक और हानि की जगह दो आ जाएगा अच्छा तीन रेशों चार में तो लाभ तीन हो जाएगा और हानि चार हो जाएगी और एक्स निकाल लीजिए आंसर आ जाएगा बराबर है तो एवरेज भी हो जाएगा बराबर नहीं है कुछ रेशों में तो वैसे कर दो कोई कहे नहीं लाभ जो है वो हानि जो है उसका दुगना है तो लाभ ये है या दो आ जाएगा या एक आ जाएगा अच्छा ये दुगना है उससे तो या एक या दो आ जाएगा अच्छा ये दो अनुपात तीन में ये दो और ये तीन आ जाएगा अच्छा लाभ एक सौ बीस लाभ बीस परसेंट ज़्यादा हानि से तो लाभ एक सौ बीस आ जाएगा हानि सौ आ जाएगा जैसे बोले वैसे कर दीजिए क्लियर हो गया होगा चलो मैं एक एग्जाम्पल से और समझाता हूँ आपको देखिए फड़ो किसी वस्तु को ग्यारह सौ रुपये में बेचने से होने वाला लाभ आप बताइए कितने में बेच रहे हो आप ग्यारह सौ ग्यारह सौ में बेचते हो तो आपको क्या हो रहा है लाभ हो रहा है ये लीजिए लाभ हो रहा है और आठ सौ में बेचने से होने वाली हानि हानि नीचे ही आएगी बोलो कितने में बेचा उसने आठ सौ आठ सौ रुपये में बेचने से होने वाली हानि हानि से दुगना है कौन दुगना है लाभ दुगना है बच्चों लाभ दुगना है किससे हानि से अगर ये एक है तो लाभ कितना है दो तो उसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि कितने की हानि हो तो यहाँ से सी आ जाएगा बच्चों आपका कैसे आएगा माना ये एक्स है तो लाभ कितना होगा बच्चों बड़े में से छोटा घटाओ ग्यारह सौ माइनस एक्स ये क्या होगा आपका लाभ हानि क्या होगी बड़े में से छोटे घटाओ एक्स माइनस कितना हो जाएगा आठ सौ और इसका रेशो अपन को दे रखा है लाभ और हानि का रेशो है टू रेशो वन लाभ बोलिए कितना है ग्यारह सौ माइनस एक्स और हानि कितनी है एक्स माइनस आठ सौ और लाभ कितना है दुगना है किससे हानि से इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों एक्स आ जाएगा सोल्व कर लेते हैं ये ग्यारह सौ माइनस एक्स इक्वलेंट ये कितना हो गया टू एक्स माइनस कितना सोलह सौ और बच्चों इसको उधर ले जाइए कितना हो जाएगा थ्री एक्स और ये इधर लाइए सत्ताईस सौ और एक्स की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों नौ सौ तो एक्स यहाँ पर नौ सौ आ जाएगा यानी सी पी आपका कितना हो जाएगा नौ सौ अगर ये कहता नहीं दोनों बराबर है तो इन दोनों का एवरेज ही आ जाता लेकिन उसने इस बार ये नहीं बोला दोनों बराबर है उसने बोला लाभ दुगना है किससे हानि से तो हानि एक लोगे तो लाभ दो होगा लाभ ऊपर हानि नीचे रेशो आ जाएगा सोल कर लो एक्स आ जाएगा लेकिन उसने सीपी भी नहीं पूछा उसने पूछा उससे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि कितने परसेंट की हानि हो कितनी हानि उठानी है ट्वेंटी टू टू बाई नाइन अच्छा ये इलेवन वन अपन का दुगना है इलेवन वन अपो नाइन इलेवन वन नाइन का दुगना है इलेवन वन अपॉन नाइन कितना होता है वन अपॉन नाइन उसका दुगना है क्योंकि इसका दुगना करेंगे तो बाईस आएगा और इसका दुगना है तो टू आएगा इसका दुगना होता नहीं है ये इट इज रहता है इसका मतलब ये टू बाई नाइन कितना है टू बाई नाइन और इसकी डेफिनेशन बनेगी नौ की चीज़ सात में जाएगी भाई इतने की हानि उठा के उसे कितने में बेचा जाए तो कॉमन सी बात है नौ की चीज़ है तो नौ माइनस दो कितने में जा रही है सात में अभी बताया था मैंने फ्रैक्शन इसको झटका दे दीजिए नौ सौ और एक झटका होता दोगे तो सेवन बाई नाइन कितने में बिकेगी बच्चों सात सौ मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा दोनों बराबर हैं एवरेज आ जाएगा ये दो ये एक है तो टू बाई वन लिख दो अच्छा याद रखिए बनाते कैसे हैं ये प्रॉफिट था ये लॉस था इस एक्स से ये बढ़ा है तो इसमें से ये घटाइए और इन दोनों में से ये बढ़ा है तो इसमें से वो घटाइए क्लियर है बिल्कुल अच्छा मान लो ये कहता नहीं दोनों ही प्रॉफिट है सर तो फिर क्या करेंगे दोनों ही प्रॉफिट है तो क्या करेंगे देखिए तो बच्चों एक में लाभ हो रहा था और एक में क्या हो रही थी हानि वो ये कह रहा था होने वाला लाभ होने वाली हानि के बराबर है तो उनके बीच में सिपी हो गया अच्छा लाभ दुगना है हानि से तो टूर वन बन गया दोनों लाभ भी हो सकते हैं देखिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं किसी वस्तु को इक्कीस सौ रुपये में बेचने से होने वाला लाभ ये लीजिए ज़्यादा में बिकी इक्कीस सौ में बिकी यहाँ पर होने वाला लाभ ये लीजिए लाभ उन्नीस सौ रुपये में बेचने से होने वाले लाभ से तीन गुना है अच्छा बच्चों एक बार बताइए इसको अगर अपन ये ले कि ये वस्तु है यहाँ पर यहाँ का जो लाभ है वो 1900 में बेचने से ये लीजिए 1900 में बेचने से यहाँ पर जो लाभ है लाभ यहाँ भी हो रहा है लाभ यहाँ भी हो रहा है एक्स आपका यहाँ पर है ये आपका सी है इस सी से ये भी ऊपर है और ये भी ऊपर है लाभ कब होगा जब एस ज़्यादा होगा ये लीजिए एस इस लाभ से ये जो लाभ है वो कितना गुना है तीन गुना है मतलब ये लाभ अगर एक है तो ये लाभ कितना है तीन अच्छा ये लाभ लिखेंगे कैसे ये लीजिए इक्कीस माइनस कितना x ये लाभ ऐसे लिखा जाएगा अच्छा ये लाभ कैसे लिखेंगे बताइए तो ये लाभ लिखा जाएगा 1900- माइनस x क्लियर हो गया होगा ये 2100 माइनस x लिखा जाएगा और ये 2100 माइनस x और ये 1900- माइनस x इस केस में भी x से ये ज़्यादा है और इस केस में भी 1900 x से ज़्यादा है तो जो लाभ है वो ये है और यहाँ का लाभ ये है और ये लाभ और इस लाभ का जो अनुपात ये क्या चीज़ आई लाभ और ये क्या चीज़ है लाभ अच्छा इक्कीस सौ माइनस एक्स ट्वेशन जैसे बोल रहे हैं वैसे करते जाओ उन्नीस सौ माइनस एक्स का जो रेशो है वो थ्री रेशो वन सोल्व कर लीजिए एक्स आ जाएगा तो जब एक्स निकालोगे आप सोल्व करके तो एक्स कितना आ जाएगा आपका अट्ठारह सौ तो बच्चों आपका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया अट्ठारह सौ अब वो क्या कहना चाह रहा है तो इतने का लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपये में बेचे अब इसके ऊपर कितना लाभ कमाना चाहता हूँ इलेवन वन अप नाइन परसेंट यानी वन अप नाइन अच्छा ये नो है तो ये कितना हो गया दस सोल कर लीजिए एरो आ जाएगी अठारह सौ इंटू टेन बाई नाइन यानी कितना आंसर आ जाएगा दो हज़ार कितने रुपए में बेचना चाहिए दो हज़ार मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा ऐसे बनाइए लाभ हो रहा है एस पी ऊपर जाएगा लाभ हो रहा है एस पी ऊपर जाएगा हानि हो रहा है एस पी नीचे जाएगा सी पी से कम में बेचोगे तो हानि होगी लाभ कैसे लिखोगे बड़े में से छोटा घटाओ हानि कैसे लिखोगे बड़े में से छोटा घटाओ फिर क्या करेंगे बराबर है बराबर रख देंगे वन वन रख देंगे वो ज़्यादा है वो लाभ दुगना है इस लाभ का टू रेशो वन हो जाएगा जैसे वो बोले वैसे करते जाइए मेरे हिसाब से ऐसे सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे थोड़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है अच्छा हिट एंड ट्रायल से भी हो जाता कि इक्कीस सौ में बेच रहा है और उन्नीस सौ में बेच रहा है और दोनों ही केस में क्या हो रहा है लाभ हो रहा है लेकिन वो लाभ कितना है तीन गुना है और ये लाभ कितना है एक गुना है तो इसका मतलब ये है वो तीन है तो ये एक है यानी 1800 के केस में 1900 सौ सौ रुपये का लाभ है और 1800 से 2100 सौ तीन सौ रुपये का लाभ है तो सौ का तीन गुना हो गया तीन सौ तो इस तरीके से अपने हिटर्न ट्राई लगा के भी कर सकते हैं किसी भी अपना ये चलिए अपन आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन आता है वो भी देख लेते हैं अपन एक वस्तु को सोलह रुपये में बेचा जाता है ये लीजिए कितने में बेचा जा रहा है सोलह रुपये में उस वस्तु पे होने वाली हानि प्रतिशत ये जो हानि प्रतिशत है हानि रुपए नहीं हानि प्रतिशत वो क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर है यानी ये दोनों चीज़ बराबर क्रय मूल्य जितना लोगे उतना ही हानि प्रतिशत लोगे आप उतना ही क्या लोगे हानि प्रतिशत तो सोलह रुपये आ जाना चाहिए तो सीपी बताइए ऐसे क्वेश्चन में क्या है दो दो चीज़ नहीं है अपने पास कोई बात नहीं लेकिन एक दे रखा है कि ये दोनों क्या है बराबर है क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत दोनों क्या है बराबर क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत दोनों बराबर हानि बराबर नहीं है क्रय मूल्य जितना लेते हो उतना ही हानि प्रतिशत लीजिए सोलह आ जाना चाहिए तो एक तरीका तो यह है कि जब जब, जब जो दो दो चीज़ गायब हो और कोई शर्त है तो अपन हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं जैसे मान लीजिए सीपी पूछ रहा है वो सीपी मान लीजिए आप साठ है या फिर अस्सी है या फिर सौ है या जो भी है या फिर मान लीजिए चालीस है कर लेते हैं अगर मान लो यहाँ साठ लेते अपन तो हानि प्रतिशत भी साठ परसेंट लेंगे तो साठ का साठ परसेंट छत्तीस माइनस करेंगे जब छत्तीस माइनस होगा तो चौबीस होगा इसका मतलब ये चीज़ तो गलत है साठ नहीं चलेगा अब क्या कर देते अपन अस्सी बोला क्या उसने क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत दोनों क्या है बराबर क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत दोनों क्या है बराबर जो क्रय मूल्य लेते हो उतना ही हानि प्रतिशत लेना होगा अच्छा यहाँ पर मान लो अस्सी लेते हैं अपन तो 80 में से 80 परसेंट घटाएँ तो 80 का 80 परसेंट चौंसठ घटाएँगे चौंसठ घटाएँगे तो 16 आ जाएगा इसका मतलब सही है तो इस क्वेश्चन को अपन हीट एंड ट्रायल से कर सकते हैं अच्छा कब लगाना हीट एंड ट्रायल जब दो दो चीज़ गायब है ये भी गायब है ये भी गायब है तो कोई बात नहीं हिट एंड ट्रायल से कर लीजिए फटाफट हो जाएगा ऑप्शन उठाओ हिट एंड ट्रायल कर लो न तो एक क्वेश्चन बनाओगे क्वालिटी बनेगी कोई मतलब नहीं टाइम वेस्ट हो जाएगा चलिए अपन आगे बढ़ते हैं क्या कह रहा है किसी वस्तु को चौबीस रुपये में बेचने से जो लाभ प्राप्त होता है कितने रुपये में चौबीस चौबीस रुपये में बेचने से जो लाभ प्राप्त होता है उसका मान यानी इस बार इसने लाभ दिया जो लाभ प्रतिशत है उसका प्रतिशत मान कर मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर है ये क्या चीज़ है बच्चों लाभ तो लाभ प्रतिशत और ये दोनों चीज़ बराबर है तो आप बताइए क्या होना चाहिए एक तो क्लियर है कि चौबीस से तो कम ही होगा 24 से कम क्यों होगा क्योंकि इसमें ये जुड़ के ये बनेगा क्लियर है यहाँ पर आइए मान लो ऑप्शन ले लेते हैं अपन 10 20 30 40 चेक कर लेते हैं मान लो ये 10 लिया 10 का 10 परसेंट अगर जोड़े तो कितना एक जोड़ेंगे तो ये 11 होगा जो कि ये गलत है अगर मान लो मैं बीस लेता हूँ तो बीस का बीस क्यों क्योंकि ये दोनों बराबर लेने हैं मेरे को बीस का बीस कितना चार तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है चौबीस तो बच्चों ये क्लियर हो गया कि ये आंसर क्या है बीस क्योंकि उसने बोला सीपी और प्रॉफिट परसेंट जो है वो संख्यात्मक मान में बराबर जब भी दो जगह खाली हो आप हिट एंड ट्रायल से कर लीजिए क्योंकि जो पूछ रहा है वो सीपी है ये मानते ये आ जाएगा और डायरेक्ट कर दीजिए हाँ कल वो ये कहते कि सी से संख्यात्मक मान दोगुना है तो ऑप्शन सी बताइए तो सी देगा ऑप्शन में तो तो ऑप्शन यहाँ रखना उसका दुगना यहाँ रख देना हाँ सी पी है तो उसका आधा यहाँ रख देना जो पूछे वैसे कर दीजिए लेकिन याद रखिए मैथमेटिक्स में कहीं पर भी दो जगह खाली है तो हिट एंड ट्राई लगा दीजिए क्योंकि अपने पास इतना समय नहीं होता ऑप्शन उठाओ जो पूछा है उसकी जगह रखो सीपी पूछा है तो सीपी की जगह रखो बराबर है तो बराबर रखो प्रॉफिट परसेंट दुगना है तो इसका दुगना यहाँ रखो अच्छा ये दुगना है तो ये जो ऑप्शन है उसमें से उठा के रखा इसका आधा करके यहाँ लिखो क्योंकि जो पूछा जाता है वो ऑप्शन में आपको मिलेगा और इस तरीके से सेट करके अपन डेटा कर सकते हैं बच्चों बड़ी बात तो नहीं मैथमेटिक्स पूरी हिट एंड ट्रायल से हो जाती है पूरी ही ही हो जाती है पूरी ही, ही हो जाती है मैथमेटिक्स लेकिन प्रैक्टिस ज़बरदस्त चाहिए नेक्स्ट चलिए क्या कह रहा है एक घोड़ा और एक गाड़ी ये इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं अब तक क्या क्या बता दिया मैंने लैंग्वेज सारी समझा दी दो दो जगह खाली है तो हिट एंड ट्रायल लगा दीजिए कोई भी अगर प्रॉफिट लॉस सिंपली नहीं है लैंग्वेज का क्वेश्चन यूज कर रहा है कि लाभ विक्रय मूल्य का लाभ क्रह मूल्य का तो कोई बात नहीं अपनी एरो बिल्कुल अलग बना दीजिए और जो भी लैंग्वेज है उसको अलग से बना के दो वैल्यू करते तीसरी आ जाती है और वहाँ से प्रॉफिट लॉस आ जाएगा कंसेप्टल समझिए अब तक मैं एक घंटे से आपको पढ़ा चुका हूँ और ये तभी मैं पढ़ा रहा हूँ मेरे को विश्वास है कि आपने पहले चार वीडियो देख लिए होंगे पांचवा तभी समझ में आएगा सारे यूनिक मेथड मैं है मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं है केवल एक ही तरीके से पूरी दुनिया के सारे क्वेश्चन सोल्व करा दिए बड़ी मुश्किल से तीन चार क्वेश्चन और बचे हैं पूरा प्रॉफिट लॉस समझा दिया जितना भी दुनिया में प्रॉफिट लॉस बना है अगर कोई क्वेश्चन टच में नहीं हो तो मेरे को बताइए कि सर ये क्वेश्चन टच में नहीं हुआ सब हो चुके हैं बच्चों थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करो लैंग्वेज बनाना सीखो एक दो दिन की प्रैक्टिस से पूरा प्रॉफिट लॉस समझ में आ जाएगा कभी जीवन में फड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी कोई शॉर्टकट फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हाँ मेरे को शेयर करते रहिए मैं यूट्यूब के ऊपर फर्स्ट टाइम आया हूँ मेरे कोई ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरा सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक like और सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक घोड़ा तथा एक गाड़ी दोनों चालीस हज़ार में खरीदे अच्छा दोनों का सीपी दोनों अलग अलग चालीस हज़ार में नहीं खरीदे दोनों मिला के चालीस हज़ार रुपये में खरीदे क्या खरीदा एक तो घोड़ा है और एक गाड़ी है यहाँ पर लिख दिया मैंने घोड़ा और यहाँ पर लिख दिया मैंने गाड़ी क्या है क्वेश्चन तो दोनों मिलाकर कितने में खरीदे चालीस हज़ार घोड़े पे चालीस परसेंट का प्रॉफिट है ये लीजिए मैथ वैसे कि वैसे चालीस परसेंट का प्रॉफिट तथा गाड़ी पे बीस परसेंट का प्रॉफिट है ये लीजिए गाड़ी पे बीस परसेंट का प्रॉफिट है यदि दोनों पे टोटल दोनों पे टोटल पच्चीस परसेंट का प्रॉफिट होता है दोनों पे टोटल कितना प्रॉफिट हो रहा है पच्चीस परसेंट का तो सी बताइए क्वेश्चन क्लियर कर लो चालीस हज़ार में दोनों खरीदे घोड़े पे चालीस परसेंट कमाया गाड़ी पे बीस परसेंट कमाया और दोनों पे कुल मिला के पच्चीस परसेंट का क्या हो गया प्रॉफिट दोनों पे मतलब चालीस हज़ार पर पच्चीस परसेंट का ओवरऑल प्रॉफिट हो गया तो घोड़े का सी बताना है घोड़ा कितने का है ये मेरे को बताना ऐसे एलिगेशन मिक्सर का क्वेश्चन हो गया पढ़ाएंगे आपको उसके अंदर लेकिन इतना याद रखिए कि किसी चीज़ के अगर दो टुकड़े करते हो आप एक चीज़ है उसके दो टुकड़े करते हो और उसका रिजल्ट पता है तो अपन इस तरीके से कर सकते हैं कि ये लीजिए घोड़ा और ये क्या है गाड़ी घोड़े पे कितना कमाया चालीस परसेंट गाड़ी पे कितना बीस परसेंट ओवरऑल प्रॉफिट हो गया पच्चीस परसेंट घोड़े पे अलग गाड़ी पे अलग कुल मिला के इतना परसेंट का प्रॉफिट तो बच्चों इनका अंतर निकाल लो कुल प्रॉफिट रिजल्ट अपन को पता है इन दोनों का रिजल्ट क्या है वो अपन को पता है कॉमन सी बात है क्या है रिजल्ट क्या रिजल्ट पच्चीस परसेंट का प्रॉफिट बड़े में से छोटे को घटाओ हमेशा बड़े में से छोटा ही घटता है पूरी मैथ में एक ही कंसेप्ट वो जो लाभ आने के क्वेश्चन थे तो उनमें देखो एस ज़्यादा था सी से अच्छा हानि हुई थी तब एस कम था सी से लेकिन घटता किस में से था इस केस में इसमें से घटता था और उस केस में उसमें से घटता था बड़े में से छोटा ही घटाता है अच्छा घोड़े पे इतना कमाया गाड़ी पे इतना कमाया ये चालीस हज़ार में नहीं खरीदा ये चालीस में नहीं खरीदा अगर यहाँ चालीस होता तो ये तो चल जाती है अरु हाँ दोनों मिला के चालीस हज़ार में ख़रीदा और घोड़े पे कितना कमाया चालीस परसेंट का प्रॉफिट गाड़ी पे बीस परसेंट का प्रॉफिट कुल मिला के प्रॉफिट पड़ गया आपके पच्चीस परसेंट एक तो ये एलिगेशन वाला तरीका है इसको देख लेते हैं अपन देखिए इसमें से ये घटा दीजिए कितना हो गया पंद्रह बड़े में से छोटा घटाइए कितना हो गया बच्चों पाँच तो ये जो अनुपात आया वो घोड़ा और गाड़ी को बांटने का अनुपात आया कितना एक अनुपात तीन घोड़ा अगर एक का आता है घोड़ा कितने का आता है एक का तो गाड़ी कितने की आती है बच्चों तीन की घोड़ा अगर एक का आता है तो गाड़ी तीन की आती है वन रेशो थ्री में ये रेशो है देखिए घोड़ा अगर एक का आता है तो गाड़ी तीन की आती है और दोनों मिलाकर कितने के आते हैं चार के और चार का मतलब कितना हो गया चालीस हज़ार फिर क्लियर कर देता हूँ घोड़ा अगर एक का आता है तो गाड़ी कितने की आती है तीन दोनों मिला के कितने के आते हैं चार और चार का मतलब कितना हो गया चालीस हज़ार तो एक का मतलब कितना हो गया दस हज़ार घोड़ा आया दस हज़ार गाड़ी आई तीस हजार कैसे वापस सुन लो ये एक है ये तीन है ये कुल मिला के चार है चार में से घोड़ा आया एक का या फिर ये बोलो एक और तीन एक का घोड़ा आया तीन की गाड़ी आई दोनों मिला के चार और चार का मतलब आपको दे रखा है चार का मतलब कितना हो गया बच्चों चालीस हजार एक का मतलब दस हज़ार तीन का मतलब तीस हजार कोई पूछे घोड़ा कितने का भी कहा जाएगा सो की चीज कितना बच्चों एक सौ चालीस खींची हुआ आ जाएगा ये भी आ जाएगा सो की चीज़ कितना है एक सौ बीस गाड़ी की भी कितने की बिकी ये आ जाएगी अच्छा कोई पूछे दोनों कितने के बिके तो सबको पता है चालीस हज़ार रुपये उसने कितना कमाया ओवरऑल पच्चीस परसेंट तो चालीस हज़ार रुपये पच्चीस परसेंट जोड़ के ये बता सकते हो कि ओवरऑल दोनों कितने के बिके मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा क्या कह रहा है घोड़े पे कितना कमाया उसने घोड़े पे कमाया उसने चालीस परसेंट अच्छा गाड़ी पे कितना कमाया तो गाड़ी पे कमाया उसने बीस परसेंट ओवरऑल कितना कमाया अच्छी परसेंट जब भी रिजल्ट दे आप इस तरीके से कर सकते हो क्लियर है बच्चों ये आएगा ये पूरा एलिगेशन का टॉपिक है एलिगेशन में आपको पूरा पढ़ाया जाएगा एलिगेशन के एरो बनाई जाएगी इस पर अलग प्रॉफिट इस पर अलग प्रॉफिट ओवरऑल यहाँ कितना प्रॉफिट हुआ वो लिख दीजिए अपन आगे बढ़ते हैं कोई भी क्वेश्चन हो इस तरीके से अपन कर सकते हो जब आपको ओवरऑल प्रॉफिट पता हो चलिए आगे चलते हैं बच्चों एक बार वापस देख लेते हैं इस क्वेश्चन को अगर समझ में नहीं आया तो वापस देख लीजिए एक चीज़ को बांटना है चालीस हज़ार को बांटना है और बांटने के कोई भी क्वेश्चन अपन एलिगेशन मिक्सर में पढ़ेंगे लेकिन हाँ ये टॉपिक है प्रॉफिट लॉस के अंदर भी इसके क्वेश्चन आते हैं तो मैं वापस समझा देता हूँ चालीस हज़ार रुपये के अंदर आपने खरीदा एक तो घोड़ा खरीदा और एक गाड़ी खरीदी घोड़े पे कितना कमाया आपने चालीस परसेंट ये लीजिए गाड़ी पे कितना बीस परसेंट का प्रॉफिट ओवरऑल रिजल्ट आपको दे रखा है ये रिज़ल्ट आपका रिजल्ट दे रखा है कि ओवरऑल अपन को 25% परसेंट का क्या हो गया प्रॉफिट कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि ये हुआ ये हुआ ओवरऑल ये हो गया तो कैसे करते हैं तो देखिए यहाँ पर घोड़ा है ये घोड़े पे कितना कमाया चालीस परसेंट अच्छा गाड़ी पे कितना गाड़ी पे हो गया बीस परसेंट प्रॉफिट ओवरऑल प्रॉफिट कितना बच्चों पच्चीस परसेंट बड़े में से छोटे को घटाओ तो ये बांटने का तरीका आ जाएगा चालीस हजार किस रेशो में बटेगा वो आ जाएगा तो कॉमन सी बात है ये कितना हो गया पंद्रह और ये कितना हो गया पाँच वन रेशो थ्री वन रेशो थ्री अगर ये वन है अच्छा घोड़ा कितने का है अगर वन का तो गाड़ी कितने की है थ्री वन रेशो थ्री अच्छा दोनों मिला के कि कितने के चार चार हज़ार के चार का मतलब चालीस हजार चार का मतलब चालीस हजार मतलब एक का मतलब दस हज़ार तो घोड़ा कितने का आया बच्चों दस हज़ार और गाड़ी कितने की आई बच्चों तीस हज़ार अब कोई कहते सर कि एक पे तो चालीस परसेंट का प्रॉफिट है और एक पे बीस परसेंट का लॉस है और ओवरऑल पच्चीस परसेंट का प्रॉफिट है अब बताओ क्या होगा वैसे ही करना है लॉस है तो लॉस लिख दो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट लिख दो इन दोनों में बड़ा कौन है इन दोनों में बड़ा ये है इसमें से ये घटाएंगे कितना आएगा पंद्रह इन दोनों में बड़ा कौन है इन दोनों में बड़ा ये है क्लियर है पच्चीस में से ये घटाइए तो ट्वेंटी फाइव में से अगर आपको ये घटाना है तो ये कितना हो जाएगा फोर्टी फाइव तो अब रेशो ये बन जाएगा घोड़े का रेशो ये होगा गाड़ी का रेशो ये होगा कॉमन सी बात है इन दोनों के बीच में रिजल्ट आता है क्या इन दोनों के बीच में ये चीज़ है बिल्कुल है कैसे पता चला ये ज़ीरो होता है माइनस बीस इधर होता है और प्लस का चालीस इधर होता है और प्लस का पच्चीस जो रिजल्ट आपका वो यहाँ होता है तो कॉमन सी बात है इन दोनों के बीच में अगर कोई रिज़ल्ट आ रहा है तो डायरेक्टली अपन कर सकते हैं डायरेक्टली अपन एलिगेशन वाले कंसेप्ट से कर सकते हैं मेरे हिसाब से क्लियर हो हुग गया होगा वापस समझा देता हूँ क्या है ये दोनों मिला के चालीस हज़ार में खरीदें दोनों अलग अलग चालीस हज़ार में नहीं खरीदे एक पे ये हुआ है और एक पे ये हुआ है और कुल रिजल्ट अगर दे रखा है तो एलिगेशन के कंसेप्ट से कर दीजिए बड़े में से छोटे को घटाइए बड़े में से छोटे को घटाइए जो अनुपात आएगा वो चालीस हज़ार को बांटने का अनुपात आएगा रिजल्ट दे रखा है रिजल्ट दे रखा है रिजल्ट दे रखा है इतना परसेंट कमाया इतना परसेंट कमाया ओवरऑल इतना परसेंट कमाया इतना परसेंट कमाया कुल इतने परसेंट की हानि हुई ओवरऑल इतना परसेंट कमाया कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव ये देखो बड़े में से छोटे को घटाना क्लियर नेक्स्ट चलते हैं देखो बच्चों इससे पहले जो क्वेश्चन करवाया था उसमें यह था रिजल्ट दे रखा था कि घोड़े पे, पे चालीस परसेंट का लाभ गाड़ी पे बीस परसेंट का लाभ ओवरऑल पच्चीस परसेंट का लाभ ओवरऑल लाभ दे रखा था आपको एलिगेशन से हो गया था सभी क्वेश्चन एलिगेशन से हो जाते हैं जिसमें बांटने का कंसेप्ट होता है एलिगेशन में भी तो कुछ फटोगे इसलिए चलो एक क्वेश्चन मैंने समझा दिया अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन एक घोड़ा तथा एक गाड़ी दोनों अड़तीस हजार रुपये में खरीदे ये लीजिए घोड़ा और गाड़ी दोनों कितने के आए अड़तीस हजार अड़तीस हजार रुपये में दोनों आए घोड़ा भी आया और गाड़ी भी आई और घोड़े पे कितना कमाया आपने घोड़े पे कमाया 20% परसेंट और गाड़ी पे आपको 30% परसेंट का लॉस हुआ और दोनों का एसपी समान है ये शर्त दे रखी है कई तरीके इसको सोल्व करने के एलिगेशन का क्वेश्चन है किसी भी चीज़ को बांटना एलिगेशन कहलाता है अड़तीस हज़ार को दो टुकड़ों में बांटना है यह आ जाएगा यह आ जाएगा इन दोनों से यह आ जाएगा इन दोनों से यह आ जाएगा हानि आ जाएगी लाभ आ जाएगा लेकिन मेन मकसद क्या है आपका अड़तीस हज़ार को बांटना क्या चीज़ है क्या शर्त है एसपी समान है सेल प्राइस समान है चलो पहले तो एलिगेशन से ही करते हैं एक तो क्या था घोड़ा और एक क्या थी गाड़ी घोड़े पे कितना कमाया बीस परसेंट गाड़ी पे कितने का नुकसान तीस परसेंट ये क्लियर हो जाना चाहिए पहले वाले में क्या था रिजल्ट दे रखा था तो रिज़ल्ट का डिफरेंस निकाल दिया था रिजल्ट नहीं दे तो ये देखो क्या समान है इस क्वेश्चन में एसपी समान क्या समान है बच्चों एसपी समान क्या समान है एसपी समान तो घोड़े का एसपी एसपी अगर बोले अपन की चीज 120 में जा रही है एस क्यों लिखा एसपी समान है एलिगेशन का एक रूल है जो चीज समान है किसी चीज को बांटना है और ये देख लो जो चीज समान है उसके रेस्पेक्ट में बांट दो अच्छा घोड़ा कितने का गया एक का गया वो समान है सेल प्राइस समान है सेल प्राइस समान है घोड़ा और गाड़ी दोनों का सेल प्राइस समान है घोड़े का सेल प्राइस सौ का खरीदा तो एक सौ बीस में गया अच्छा गाड़ी का सेल प्राइस तीस में खरीद सौ में खरीदा तो सत्तर का गया क्योंकि तीस परसेंट का नुकसान है तो बच्चों ये एक रेशो आ जाता है बांटने का सेवन रेशो ट्वेल्व लीजिए घोड़ा सात का तो गाड़ी कितने की बारह सात और बारह दोनों मिला के कितना उन्नीस दोनों मिला के आए कितने के अड़तीस हज़ार रेशो में देखें तो घोड़ा सात का है तो गाड़ी बारह क्या है दोनों मिला के उन्नीस उन्नीस का मतलब दे रखा है आपको उन्नीस का मतलब कितना दे रखा है बच्चों अड़तीस हज़ार और एक का मतलब कितना हो गया आपका दो हज़ार जब एक का मतलब दो हज़ार है तो घोड़ा आया चौदह हज़ार का क्योंकि एक का मतलब दो हज़ार है तो सात का मतलब हो गया चौदह हजार और बारह का मतलब कितना हो गया चौबीस हज़ार अब बच्चों इससे इससे वहाँ जा सकते हैं और इससे इससे यहाँ जा सकते हो कॉमन सी बात है ऐसे कर सकते हो आप क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया क्या कह रहा है बताइए ये कह रहा है कि दोनों का सेल प्राइस समान है अब दोनों का सेल प्राइस है तो एलिगेशन से सेल प्राइस का रेशो ले लो सो so की चीज़ एक सेल प्राइस एक है सो so की चीज़ सत्तर सेल प्राइस सत्तर है सेल प्राइस का रेशो ले लो प्रॉफ़िट समान होता तो प्रॉफिट का रेशो ले, ले लेता सी समान है तो सी का रेशो ले लो सौ सौ सी समान होता तो सौ so सौ -so हो जाता वन रेशो वन हो जाता उन्नीस उन्नीस हज़ार के हो जाते क्लियर जैसे वो बोले वैसे करो या फिर मेथड देख लो अगर बच्चों में इसको मेथड वाइज करूं दूसरे तरीके से करूं तो कैसे होगा देखिए तक देखो बच्चों इसी क्वेश्चन को अगर अपन दूसरे तरीके से देखें तो वैसे देख लो हर क्वेश्चन कई तरीके से हो जाता है देखिए एक घोड़ा और एक गाड़ी दोनों कितने के खरीदे अड़तीस हजार ये लीजिए ये क्या खरीदा आपने घोड़ा और ये क्या खरीदी आपने गाड़ी गाड़ी अच्छा इस पर कितना कमाया आपने 20% परसेंट का प्रॉफिट हुआ और इस पर क्या हुआ 30% परसेंट का लॉस हुआ शर्त क्या है दोनों का एस पी ये लीजिए तो एक काम कीजिए घोड़ा मान लीजिए ए का आया गाड़ी मान लीजिए बी की आई इससे खींच के यहाँ जाइए ए इंटू वन ट्वेंटी अपॉन हंड्रेड कैसे लिखा सो की चीज एक सौ बीस यहाँ पर सो की चीज कितना सत्तर बी इंटू सेवेंटी अपॉन हंड्रेड बच्चों यहां से ए और बी का रेशो आ जाएगा वही तो चाहिए ए कितना बी कितना रेशो में चाहिए फिर बांट दो इसको दोनों समान है वन रेशो वन है या ये कर दो ए इंटू वन ट्वेंटी अपॉन हंड्रेड और नीचे बी इंटू सेवेंटी अपॉन हंड्रेड इनका रेशो क्या है वन रेशो वन कल वो कह दे नहीं इसका एस पी दोगना है ये दो हो जाएगा ये एक हो जाएगा कल वो कह दे नहीं इसका एस पी दोगना है वो एक ये दो हो जाएगा अरे बच्चों कुछ भी नहीं है जो दुगना है तो उसके सामने दुगना लिख दो जो सिंगल है उसके सामने सिंगल लिख दो बराबर है तो एक एक हो गया क्लियर है अच्छा ये क्या कहना चाह रहा है मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कैंसिल कर दीजिए हंड्रेड हंड्रेड ख़त्म जीरो जीरो ख़त्म ये बारह ए बारह ई इक्वल सेवन बी हो जाएगा ए रेशो बी आ जाएगा कितना आएगा ए रेशो भी सेवन बाई ट्वेल्व ये रेशो हो जाएगा रेशो रेशो बराबर है ए का बी के साथ रेशो ए कितना है सात ये कितना है बच्चों बारह सेवन रेसो ट्वेल्व कुल मिला के उन्नीस अच्छा घोड़ा सात का आता है तो गाड़ी बारह की आती है कुल मिला के उन्नीस का आता है नाइनटीन का मतलब अड़तीस हज़ार एक का मतलब दो हज़ार सात का मतलब चौदह हजार और बारह का मतलब चौबीस हजार दोनों तरीके हैं एलिगेशन से करना चाहो एलिगेशन से कर लो इसमें सभी हो जाएंगे वो दुगना है इससे दुगना है अच्छा कल वो ये कहते हैं नहीं इसका प्रॉफिट लो और इसका एसपी समान है तो इसका प्रॉफिट ले लेना एक का बीस परसेंट ले लेना और इसका एसपी ये ले लेना दोनों को समान रख देना ये और बी का रेशियो आएगा ए और बी यहाँ रख देना तो ये तो रेशियो है तो ये सात का आता है तो ये बारह का आता है दोनों उन्नीस के आते हैं नाइनटीन का मतलब कितना हो गया अड़तीस हज़ार एक का मतलब दो हज़ार सात का मतलब चौदह हज़ार और बारह का मतलब चौबीस हज़ार कल वो जैसे बोले वैसे कर लेना ये दोनों का रेशो दे रखा वन रेशो वन कल वो दुगना है ये सिंगल है तो वो टू और वन हो जाएगा कल इसका प्रॉफिट इसके एस पी के समान है तो इसका प्रॉफिट ही लेना इसका एस पी दोनों बराबर रख देना कल इसका प्रॉफिट इसके एस पी का दुगना है तो प्रॉफिट के नीचे इसका एस पी लगा के सामने टू रेशो वन कर देना जो कटेगा जो कट जाएगा बाकी ए और बी आ जाएगा अपन को ए और बी तो चाहिए कल तीन है तो ए बी सी कर देना उनका रेशो निकाल लेना सब एलिगेशन में वापस आएंगे अच्छा दूसरा तरीका क्या बताया था ये बताया था कि डायरेक्ट कर दो कि एस पी सामान है ये घोड़ा है और ये क्या है बच्चों गाड़ी है अच्छा घोड़े पे कितना कमाया 20 परसेंट अच्छा गाड़ी पे कितना नुकसान 30 परसेंट अच्छा क्या सामान है सामान क्या चीज़ है एसपी पी सामान है तो इसका एसपी 120 इसका एसपी 70 तो सात रे बारह हो जाएगा ये लीजिए सेवन और ट्वेल्व हो जाएगा बाढ़ दो आंसर आ जाएगा घोड़े का क्रमूल्य आ जाएगा जो चाहिए वो सब आ जाएगा एक बार एक एरो बन गई तो दूसरा सबके सब डेटा आ जाएंगे घोड़े पे कितना कमा इन दोनों का अंतर निकाल देना गाड़ी पे कितने का लॉस इन दोनों का अंतर निकाल देना कहने का मतलब क्या है क्लियर हो गया या तो ये भी ले लो या फिर क्या समान है एसपी समान है एसपी समान, एस समान है तो एसपी का रेशो ले लो एलिगेशन से एलिगेशन से एसपी का रेशो बीस परसेंट घोड़े पे कमाए तो एसपी होगा एक सौ बीस और तीस परसेंट गाड़ी पे नुकसान है तो एसपी होगा सत्तर रेसो निकाल लॉन्चर आ जाएगा न तो ए और बी ले लो ए और बी का करेशो निकाल लीजिए क्लियर चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरीके का अच्छा इसमें तीन तरीके तीन क्वेश्चन समझाए मैंने रिजल्ट दे रखा है एस पी सामान है कभी वो कहते प्रॉफिट समान है तो फिर क्या करें प्रॉफिट ले लेना देखिए फड़ो एक घोड़ा तथा एक गाड़ी दोनों चालीस हज़ार में खरीदे क्वेश्चन वही है घोड़ा और गाड़ी कितने के आए चालीस हज़ार ये लीजिए वही घोड़ा और ये है गाड़ी और दोनों कितने के आए चालीस हज़ार घोड़े पे 20% परसेंट का प्रॉफिट ये लीजिए घोड़े पे 20% परसेंट का प्रॉफिट है और गाड़ी पे 30% परसेंट का प्रॉफिट है और दोनों का प्रॉफिट रुपए में समान है ये चीज़ समान है ये और ये दोनों में क्या अंतर है बच्चों उसमें ये समान था इसमें ये समान, है। उसमें क्या समान था उसमें ये चीज़ समान थी इसमें ये समान है ये दुगना भी हो सकता है इससे और कुछ भी हो सकता है बच्चों तो एक तरीका तो ये है घोड़ा माना ए का गाड़ी मानी बी की ए का कितना परसेंट बीस परसेंट प्रॉफिट समान है प्रॉफिट निकाल लो अच्छा सेल प्राइस समान होता तो एक सौ बीस बटा 100 आता बीस नहीं आता क्योंकि बीस परसेंट तो लाभ है ए का बीस परसेंट है ये बी का तीस परसेंट है ये लीजिए बी का तीस परसेंट है ये दोनों समान है ये लीजिए ए इंटू ट्वेंटी अपॉन हंड्रेड और बी इंटू थर्टी अपॉन हंड्रेड ये दोनों बराबर है एक अनुपात एक है अच्छा वो दुगना होता तो ये टू ये वन हो जाता ये दुगना होता ये वन ये टू हो जाता क्लियर जैसे वो बोले वैसे कर दो अच्छा इसके बराबर इसका सेल प्राइस है तो इसको और इसको बराबर रख देते अच्छा सेल प्राइस कैसे लिखते हैं सो so, की चीज़ एक सौ बीस करते अच्छा इसका सेल प्राइस कैसे लिखते हैं सो so, की चीज़ एक अच्छा प्रॉफिट कैसे लिखोगे ए का ट्वेंटी परसेंट अच्छा यहाँ प्रॉफिट कैसे लिखोगे बी का थर्टी परसेंट अच्छा ये दोनों क्या है बराबर है बराबर रख दो सोल्व कर लूँ सोल्व करेंगे तो बच्चों ये खत्म टू ए बराबर क्या हो जाएगा थ्री बी यानी ए अपॉन बी क्या आ जाएगा थ्री रेशो टू कॉमन सी बात है ये क्या है थ्री है और ये क्या है टू है घोड़ा आया तीन का देखिए ए का मतलब घोड़ा कितने का आया बी का मतलब गाड़ी कितने की आई तो ये तीन का आता, तो ये का आता है तो ये दो का आता है और कुल मिला के पाँच का मतलब दे रखा आपको कि चालीस हजार दोनों का क्रय मूल्य दोनों का सीपी कितना है चालीस हजार तो पाँच का मतलब दे रखा है पाँच का मतलब चालीस हजार बच्चों पाँच का मतलब चालीस हज़ार एक का मतलब आठ हज़ार तीन का मतलब चौबीस हज़ार और दो का मतलब सोलह हज़ार अब बच्चों सब आएगा या नहीं आएगा आ जाएगा इससे इससे यह आ जाएगा इससे इससे यह आ जाएगा प्रॉफिट आ जाएगा सेल प्राइस आ जाएगा पहले की कमाई आ जाएगी दूसरे पे कमाई आ जाएगी सब कुछ आ जाएगा अच्छा इसको एलिगेशन से करें तो भी हो जाएगा कैसे होगा देखिए ये मेथड तो ऐसा मेथड है जिसमें मान लीजिए इसको तीन टुकड़ों में बांटना है तो तीन रेसो ले लीजिए दो में बांटना है दो रेशो ले लो ये और भी ए और बी का रेशो निकाल लो बांट दीजिए कुछ है ही नहीं शर्त क्या है दोनों समान है वन रेशो वन वो दुगना है वो टू ये वन हो जाएगा अच्छा इसका प्रॉफिट इसका प्रॉफिट लेना है प्रॉफिट ले लो इसका प्रॉफिट इसका सेल प्राइस लेना है वो ले लो अच्छा इसका कॉस्ट प्राइस और इसका सेल प्राइस बराबर है वो ले लो जैसा बोले वैसे ले लो नहीं इसका कॉस्ट प्राइस इसके सेल प्राइस से दुगना है तो इसका कॉस्ट प्राइस लो इसका सेल प्राइस लो सामने टू और वन हो जाएगा अरे भाई जैसे बोले वैसे कर लो अच्छा चलिए सभी तो मैं कैसे समझाऊँ एक ही क्वेश्चन से एक हजार क्वेश्चन बनाइए मैं, मैं फिर कह रहा हूँ आप खुद की किताबें लिखिए सभी तो बताइए मैं कैसे करवाऊंगा बोर्ड पे लेकिन आप सोचो ना सोचो अगर किसी चीज को बांटना है तो ए और बी लीजिए तीन है तो ए बी सी लीजिए इसी क्वेश्चन को अपन दूस एलिगेशन से भी कर सकते हैं देखिए घोड़ा है। घोड़े पे कितना कमाया बीस परसेंट अच्छा गाड़ी पे कितना कमाया आपने गाड़ी पे आपने कमाया तीस परसेंट और क्या समान है पहले वाले में तो लाभ समान था और इसमें क्या समान है पहले वाले क्वेश्चन में तो एस पी समान था और इसमें कह रहा है लाभ समान तो लाभ का रेसो ले लो उसमें बढ़ जाएगा सौ पे बीस परसेंट का लाभ मतलब बीस का लाभ सौ पे तीस परसेंट का लाभ मतलब तीस का लाभ अच्छा एस पी समान होता तो सौ की चीज़ एक सौ बीस और तीस की और गाड़ी सौ की चीज़ एक सौ तीस एस पी सामान होता तो 120 130 आ जाता क्योंकि एस पी यही बनता और अगर प्रॉफिट है तो 100 पे 20 परसेंट का प्रॉफिट 20 सौ पे तीस परसेंट का प्रॉफिट तीस ये कितना हो गया तीन अनुपात दो कॉमन सी बात है मैंने क्या बोला क्लियर हो जाना चाहिए पहले वाले में क्या था एस पी सामान था तो सौ था तो एक हो गया और सौ था तो एक हो गया एस पी सामान है तो एस पी का रेसो लेंगे और प्रॉफिट समान है तो प्रॉफिट का रेसो लेंगे बीस परसेंट प्रॉफिट क्या है सौ पे बीस बीस परसेंट प्रॉफिट क्या है सौ पे बीस तीस परसेंट प्रॉफिट क्या है सौ पे तीस अच्छा बीस परसेंट प्रॉफिट कमा के एस पी क्या है सौ पे एक सौ बीस तीस परसेंट प्रॉफिट कमा के एस पी है सौ पे एक सौ तीस क्या समान है एस पी तो एक सौ बीस एक सौ तीस की तरह चलेगा और अगर प्रॉफिट समान है तो बीस और तीस चलेगा क्लियर तो इस तरीके से कर सकते हो तीन अनुपात दो ये लीजिए तीन अनुपात दो आ गया बाढ़ दीजिए हमचर आ जाएगा और भी बहुत सारे तरीके हैं बच्चों हजारों तरीके हैं हजारों बेस्ट है ए बी सी कर दो रेशो ले आओ दो है तो ए बी कर दो रेशो ले आओ जो बोले वैसे कर दो ये कब लगता है एलिगेशन जब समान है क्या समान है प्रॉफिट समान है तो सौ पे बीस रुपये कमाए प्रॉफिट बीस प्रॉफिट ही लिखना है एसपी बोले एसपी समान है तो यहाँ एसपी लिखना है बीस परसेंट तो कमाया उसने तो एसपी पी एक सौ बीस होता और एसपी पी एक सौ तीस होता प्रॉफिट समान है तो केवल प्रॉफिट लिखना है एसपी तो समान है तो एसपी लिखना है क्लियर हो गया होगा चलिए आगे बढ़ते हैं देखो बच्चों एक क्वेश्चन है इसको समझना किसी दुकानदार ने बीस दर्जन अंडे दो सौ अस्सी रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदे इससे पहले वाले क्वेश्चन क्या थे बांटना बांटने के सारे कंसर्ट समझा थे ये था यह था रिजल्ट था तो बांट दीजिए घोड़ा कितने का आया और गाड़ी कितने की आई घोड़ा अनुपात गाड़ी अनुपात आ जाए दूसरे में एसपी समान था एसपी लिखिए एक सौ बीस एक सौ तीस रेसो बांट दीजिए क्लियर अगर प्रॉफिट समान था तो प्रॉफिट में बांट दीजिए और नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो ए और बी मानिए प्रॉफिट समान है तो प्रॉफिट नीचे प्रॉफिट बराबर ए अनुपात दो वो प्रॉफिट दुगना है तो वैसे कर लीजिए क्लियर हो गया होगा थोड़ी सा दिमाग लगाइए मैं क्या बोल रहा हूँ नहीं समझ में आया एक दो बार वीडियो को रिपीट कर करके देखो हाँ मैं फिर क्लियर कर देता हूँ मैं पढ़ाता हूँ लिंकिंग से इसलिए आपको शुरू से लास्ट तक वीडियो देखना और ये अपने आप में एक यूनिक मेथड है बच्चों दुनिया का मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूँ ये एक ऐसा मेथड मैंने डेवलप किया खुद ने डेवलप किया है कोई मेरा गुरु नहीं है किसी ने मेरे को सिखाया नहीं है मैं खुद ने डेवलप किया है जिसके अंदर सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से हो जाएंगे यहाँ पर आइए क्वेश्चन को फड़िए क्या कहना चाह रहा किसी दुकानदार ने बीस दर्जन अंडे दो प्रति दर्जन की दर से खरीदे कितने दर्जन अंडे बीस दर्जन ये लीजिए बीस दर्जन अंडे खरीदे किस रेट पे खरीदे दो सौ प्रति दर्जन के भाव से खरीदे अच्छा बच्चों ये कितने के हो गए छप्पन सौ रुपए के अंडे हो गए ये क्वेश्चन क्या मैसेज दे रहा है कि बीस दर्जन अंडे खरीदे दो सौ अस्सी रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदे तीन सौ रुपए टैक्स के लगाए सौ रुपए टैक्सी के लगाए तो बच्चों लो ये तीन सौ रुपए टैक्स के हो गए सौ रुपए टैक्सी के हो गए ये किसके हो गए टैक्स और ये किसके हो गए टैक्सी उस बाबू की जेब से टोटल पैसा कितना लगा छह हजार तो 6000 अपना सी है ये सी नहीं है जो पैसा लगा उसकी जेब से जो पैसा लगा ओवरऑल वो सी है बच्चों तो जो सी है अपना वो कितना है 6000 अब वो कह रहा है कि छ हजार लगा दिए और उसको 25 परसेंट कमाना है ये वो सही क्वेश्चन हो गया बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक चीज फ्री में जा रही है दो चीज़ फ्री में जा रही है अगर कभी भी ऐसे कोई क्वेश्चन है कि अंडे फूट गए ये फूट गए तो आप तो ये देखिए ना कि आपको प्रॉफिट कितना कमाना है पच्चीस 25% परसेंट का प्रॉफिट कमाना है कितने पे कमाना होता है जितना लगा उसके ऊपर कमाना होता है पूरा माल कितने का जाएगा 6000 हज़ार इंटू एक बटा सौ कैंसिल कर दीजिए जो जो कैंसिल हो सकता है ये ख़त्म ये कितना हो गया ज़ीरो जीरो पाँच और सात कितना हो गया सात हज़ार पाँच सौ छः हज़ार का पच्चीस परसेंट पंद्रह सौ होता है पंद्रह सौ इसमें जोड़िए सात हज़ार पाँच सौ अब वो कह रहा है कमाने के लिए प्रत्येक कि अंडा किस रेट में बेचा जाए जबकि चालीस अंडे फूट गए उसने अंडे कितने खरीदे थे उसने अंडे खरीदे थे बीस दर्जन उसने बीस दर्जन अंडे खरीदे थे बीस दर्जन मतलब दो सौ चालीस अंडे खरीदे थे चालीस फूट गए बेचने लायक कितने दो सौ मैं तो आपको फिर क्लियर कर देता हूँ दो सौ अंडे बेचने लायक है ये क्या है बच्चों दो सौ अंडे दो सौ अंडे बेचने लायक है 200 अंडे बेचने लायक है खरीदे कितने थे 240 40 चालीस फूट गए लगाए कितने 6000 कमाना है 25 परसेंट सात हज़ार पाँच सौ आने चाहिए चाहे सारे ही अंडे फूट जाए मेरे को उससे क्या करना है बच्चों मेरे पास तो कितने रुपये आने चाहिए सात हज़ार पाँच सौ क्लियर है अच्छा सात हजार पाँच सौ आने चाहिए लेकिन बेचने लायक अंडे कितने बच्चे केवल दो सौ तो इसका मतलब प्रत्येक अंडा सात पाँच सौ अगर प्रत्येक अंडा सेम रेट में जा रहा है तो बच्चों कैंसिल कर दो एक अंडा साढ़े सैंतीस रुपये का जाएगा साढ़े सैंतीस रुपये का एक अंडा जाएगा किशन सन में आ गया होगा दुकानदार था कितने दर्जन अंडे खरीदे थे बीस दर्जन किस रेट में खरीदे थे दो सौ अस्सी रुपये प्रति दर्जन कुल माल कितने का है छप्पन सौ टैक्स के कितने दिए तीन सौ टैक्सी के सौ कुल मिला के पैसा लग गया छः हज़ार सपना क्या देखा है पच्चीस परसेंट कमाना है पूरा माल कितने का जाएगा सात हज़ार पाँच सौ क्या पूरा का पूरा माल बेक, बेचा तो दो सौ चालीस से डिवाइड कर दो वो कह रहा है नहीं चालीस अंडे तो फूट गए फेंक दिया तो फिर दो सौ से डिवाइड करो एक अंडा जाएगा साढ़े सैंतीस रुपये का मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा अच्छा कुछ भी हुआ हो अपन को क्या करना है कितना पैसा लगा और कितना पैसा आया उसके बीच में होता है प्रॉफिट एंड लॉस लेकिन उसने प्रति अंडे की रेट पूछी है तो प्रति अंडा साढ़े सैंतीस रुपये का बेचा जाएगा क्लियर एक यूनिक क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा चलिए अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन एक आदमी ने किताब ये यूनिक क्वेश्चन था मैं समझा दूँ कि किस तरीके से ये क्वेश्चन होंगे बाकी आ रहा होगा समझ में नॉर्मल सी चीज़ है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है कि ठीक है अंडे फूट गए तो क्या हुआ 200 से डिवाइड कर दो क्योंकि पूरे अंडों के 7500 है प्रत्येक अंडा कितने का बिका ये पूछा जा रहा है बेचने लायक आपके दो है चालीस तो फूट चुके हैं तो सात हज़ार पाँच सौ को किससे डिवाइड कर दीजिए दो सौ से सैंतीस पॉइंट पाँच प्रति अंडा आ जाएगा क्लियर इस क्वेश्चन को देखिए एक आदमी ने एक किताब नौ परसेंट लाभ तथा एक पेन तेरह परसेंट लाभ पे बेचे अगर वह किताब तेरह परसेंट व पेन नौ परसेंट लाभ पे बेचे तो उससे अस्सी रुपये ज़्यादा मिलते यदि दोनों बीस हजार रुपये में खरीदे गए तो किताब का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए कुछ है नहीं बिल्कुल फर्जी क्वेश्चन है कुछ भी नहीं है डेटा सेम है नौ और तेरह तेरह और नौ अंतर क्या है कुछ भी अंतर नहीं है कि क्वेश्चन बन के आ जाएगी उसको सोल्व कर लेंगे अपन देखो बच्चों ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे आगे जाके लेकिन एक क्वेश्चन समझ लेते हैं एक आदमी ने एक किताब नौ परसेंट लाभ पर बुक बुक की रेट बुक पे कितना लाभ कमाया नौ परसेंट बुक पे इतना रुपये कमाया और पेन पे तेरह परसेंट जो पेन है उसके ऊपर तेरह परसेंट लाभ कमाया ये लीजिए अगर वह किताब तेरह परसेंट बुक को कितने पे तेरह परसेंट बुक को तेरह परसेंट पे और पेन को नौ परसेंट के लाभ पे बेचता तो उससे अस्सी रुपये ज़्यादा मिलते अस्सी रुपये ज़्यादा मिलते क्लियर कहने का मतलब यहाँ पर जितना लाभ हो रहा है मान लीजिए यहाँ लाभ हो रहा है ये लाभ और यहाँ जो लाभ हो रहा है वो लाभ प्लस अस्सी ये लाभ प्लस कितना हो गया अस्सी कहने का मतलब बुक के ऊपर नौ परसेंट कमाए पेन के ऊपर तेरह परसेंट कमाए बुक आई बी की पेन आया पी का बी का नौ परसेंट कमाए और पी का तेरह परसेंट कमाए बुक का तेरह परसेंट कमाए, कमाए और पेन का नौ परसेंट कमाए तो जो पहले लाभ हो रहा था उससे अस्सी रुपये ज़्यादा लाभ मिलता है ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे इक्वेशन जब अपन पढ़ेंगे कुछ भी नहीं है सबसे फर्जी क्वेश्चन यही है कुछ भी नहीं अच्छा एक चीज़ और दे रखी है कि, कि दोनों मिला के कि कितने क्या है बीस हजार बुक और पेन मिला के कितने क्या है बीस हज़ार एक इक्वेशन आपको ये दे रखी है और एक इक्वेशन आपके पास ही है क्लियर क्या कह रहा है कि बुक पे अगर नौ और पेन पे तेरह परसेंट कमाए तो जो लाभ होगा उससे अस्सी रुपये ज़्यादा लाभ तब होगा जब बुक पे तेरह और पेन पे नौ परसेंट कमाए सबको पता है लाभ से लाभ उठाना है जोड़ेंगे तो डबल हो जाएगा उससे क्या मतलब है इसमें से यह घटाना है तो इसमें से ये गया इसमें से यह घटा दीजिए तो क्या होगा फोर बी अपॉन हंड्रेड होगा और इसमें से यह गया तो माइनस का फोर बी ये क्या हो जाएगा बच्चों माइनस का फोर पी कितना होगा हंड्रेड इक्वलेंट कितना एटी क्लियर हो गया होगा तेरह में से नो गया चार बी अप हंड्रेड अच्छा इसमें से ये चला गया तो माइनस का हो जाएगा एटी हो जाएगा यानी बी माइनस पी अगर निकाले तो बच्चों सो ये हंड्रेड और नीचे कितना आ जाएगा फोर ये कितना हो गया ट्वेंटी इसका मतलब बी माइनस पी बी माइनस पी अपने पास कितना आ गया ये हो गया बच्चों 2000 हज़ार यहां तक क्लियर हो तो बोली वापस समझा देता हूं ये फोर बी इसमें से ये घटा देते हैं ताकि लाभ से लाभ कट जाए जोड़ा क्यों नहीं वो सब समझ में आ गया होगा आपके इतना सर कॉमन सेंस है कि जोड़ेंगे तो टू लाभ हो जाएगा इसमें से ये घटाएंगे तो यहाँ एटी बचेगा यहाँ से माइनस का फोर पी अपन हंड्रेड बचेगा यहाँ से फोर बी अपन हंड्रेड बचेगा बी माइनस पी एटी हंड्रेड और नीचे क्या आ जाएगा फोर कॉमन लेके काट दिया मैंने ये कितना टू थाउजेंड अच्छा अगर मैं इन दोनों को जोड़ूँ दो बुक और पेन दोनों आए बीस हज़ार और बुक और पेन के करे मूल्य का अंतर है दो हज़ार दोनों को जोड़ेंगे तो बुक आ जाएगी ये ख़त्म हो जाएगा कितना हो गया ये हो गया बाईस हज़ार बुक कितने की आ गई ग्यारह हज़ार बच्चों एक बुक कितने की आई ग्यारह हज़ार अब आपसे पूछ रहा है तो किताब का करे मूल्य क्या है बच्चों ग्यारह हज़ार बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ये आपका आंसर है बिल्कुल इजी क्वेश्चन है कुछ होता ही नहीं है इनमें क्लियर है डेटा सेम है नौ तेरह इधर तेरह नौ है तो सबको पता है एक ही क्वेश्चन दे रही है एक और आ जाएगी दोनों को सोल्व कर लो आंसर आ जाएगा अच्छा ऐसे हजारों क्वेश्चन हजारों क्वेश्चन अपने क्वेश्चन में फटेंगे लेकिन क्लियर हो गया होगा कोई कहे सर पेन बताओ तो बुक यहाँ रख देना बुक ग्यारह हज़ार की पेन नौ हज़ार का आ जाएगा क्लियर लेकिन जो पूछा वो मैंने बता दिया प्रॉफिट लॉस का पार्ट है ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैंने आपको समझा दिया बाकी क्वेश्चन में खूब सारे आएंगे नेक्स्ट चलिए कह रहा है क्वेश्चन एक दुकानदार अपने स्टॉक के वन फोर्थ भाग को बीस परसेंट लॉस पे बेचता है वन फोर्थ भाग को बीस परसेंट लॉस पे बेचता है ये लीजिए तथा वन फिफ्थ भाग को पच्चीस परसेंट ये वन फोर्थ भाग है बच्चों यहाँ वन फोर्थ भाग पर और ये है वन फिफ्थ भाग है वन फिफ्थ भाग पर क्या करता है वो पच्चीस परसेंट लॉस पे भेजता है तो बचे भाग को यहाँ पर बचा हिस्सा आ जाएगा बचा भाग पे कितना परसेंट प्रॉफिट लॉस उठाए ताकि पूरे व्यापार में उसको दस परसेंट का प्रॉफ़िट हो जाए ये लीजिए पूरे व्यापार में उसको कितना परसेंट का प्रॉफ़िट होना चाहिए दस परसेंट एक बार बताओ बच्चों वन फिफ्थ वन फोर्थ भाग वन फिफ्थ भाग बचा भाग ऐसा कोई भाग ले लो समय में आ गया वन फोर्थ भाग जैसे कोई प्लॉट लिया उसका वन फोर्थ भाग पे बीस परसेंट का लॉस है वन फिफ्थ भाग पे पच्चीस परसेंट का लॉस है जो बच गया उसको कितना परसेंट प्रॉफिट लॉस में बेचे ताकि कुल मिला के दस परसेंट का प्रॉफिट हो जाए कुछ भी नहीं है बिल्कुल सिंपल और फर्जी क्वेश्चन है आप वन फोर्थ वन फिफ्थ हो जाए ऐसा कोई डेटा ले लो मान लो पूरा भाग सो है तो सो का वन फोर्थ लेंगे अगर अपन पूरा भाग सो है तो सौ का वन फोर्थ बच्चों सौ का वन फोर्थ अगर अपन ले तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 25 और वन फिफ्थ ले अगर 100 का तो कितना हो जाएगा 20 पूरा भाग कितना ले लिया 100 25 पे 20 परसेंट कम 25 इंटू अस्सी बटा सौ बच्चों ये सब पढ़ा दिया मैंने कितने का माल जाएगा 20 का 100 की चीज कितना बच्चों पिचहत्तर ये 20 इंटू पचहत्तर बटा सौ और कैंसिल कर दीजिए तीन और ये चार और ये कितना पाँच ये माल गया पंद्रह का अच्छा बच्चों एक बार बताइए पूरा माल कितने का लिया मैंने सौ का और सपना देखा दस परसेंट कमाना ओवरऑल कितने का बिकना चाहिए एक सौ दस पच्चीस सौ में से पच्चीस का माल ये था बीस का मेरे ये पड़ा तो ये कितने का पड़ गया बच्चों पैंतालीस कैसे क्योंकि दोनों मिलाकर सॉरी ये दोनों मिला के फोर्टी फाइव है ये दोनों मिला के फोर्टी फाइव है तो ये जो माल पड़ बचा मेरे पास ये कितने का बचा पचपन और आने कितने चाहिए बच्चों मेरे पास एक सौ दस और यहाँ से कितने आए बीस और यहाँ से कितने आए मेरे पास पंद्रह कितने आ गए पैंतीस गए बच्चों पैंतीस मेरे पास आ चुके हैं और यहाँ से आने चाहिए मेरे पास पिचहत्तर क्योंकि पिचत्तर और पैंतीस मिला के कितना हो जाएगा एक सौ दस क्या क्या दे रखा था वन फोर्थ भाग पच्चीस रुपये का वन फिफ्थ भाग बीस रुपये का बचा भाग पचपन रुपये का ये गया इतने का ये गया इतने का पूरा माल है इतने का पूरा माल बिकना चाहिए इतने का अच्छा प्रॉफिट बताइए प्रॉफिट कितने का हो गया बच्चों यहाँ पर पूछ रहा है कि कितने परसेंट के प्रॉफिट लॉस में बेचूँ बचे माल को तो प्रॉफिट हो गया यहाँ पर बीस का अच्छा ये प्रॉफिट किसके ऊपर हुआ पचपन इंटू सौ कैंसिल कर दीजिए ये फोर टाइम ये इलेवन टाइम तो फोर हंड्रेड अपऑन इलेवन परसेंट के प्रॉफिट में आपको बचे माल को बेचना है क्वेश्चन था कुछ था ही नहीं जैसे बोला वैसा कर दिया वन फोर्थ भाग वन फिफ्थ भाग बचा भाग वन फोर्थ पे इतने का नुकसान इतने में गया वन फिफ्थ पे इतने का नुकसान इतने का पूरा माल मान लिया सौ का ओवरऑल कमाना दस परसेंट वही अंडे वाला क्वेश्चन है किसी को कितने में भी बेचो ओवरऑल मेरे को दस परसेंट कमाना सौ प्लस दस कितना हो गया एक सौ दस उधर से सबका टोटल एक सौ दस इधर सबका टोटल सौ इधर माल कितने का पच्चीस और बीस तो बचा कितने का पचपन इधर बी का माल पिचहत्तर तो यहाँ पर बच्चे माल पर प्रॉफिट हो गया फोर हंड्रेड अपॉन एलेवन परसेंट क्लियर है बच्चों चलिए अपन आगे बढ़ते हैं देखो एक लास्ट क्वेश्चन है जो भी बचा कुछ आता सब इस वीडियो के अंदर आ गया अब इसके बाद कुछ है ही नहीं बच्चों कुछ भी नहीं है एक लास्ट क्वेश्चन और देखिए आज एक टीवी का अंकित मूल्य छः हजार रुपये और ये चालीस थ्री बाई थर्टी बाई टेन ट्वेंटी बाई ट्वेंटी टेन बाई ट्वेंटी फाइव एन बाई थर्टी बट्टे की शर्त पर उपलब्ध है बट्टा मैंने फड़ा दिया आपको लेकिन उसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं लिया था क्योंकि मैं चाहता था कि सारे कंसेप्ट क्लियर होने के बाद अपन लैंग्वेज को भी समझे आज मैंने क्या समझाया आपको लैंग्वेज किसी चीज़ को बांटना ग्रह मूल्य को दो टुकड़ों में बांटना बांटने के बाद ये आ जाएंगे फिर क्वेश्चन सोल हो जाएंगे मैंने क्या समझाया लैंग्वेज लाभ विक्रय मूल्य का इतना परसेंट मैंने क्या समझाया प्रॉफिट लॉस सीपी का ही नहीं किसी का भी बोल दे अलग से बना के एरो के ऊपर पुट कर दीजिए यह है पूरा प्रॉफिट एंड लॉस बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन है इसको समझिए क्या कह रहा है एक टीवी का अंकित मूल्य छ हजार रुपए एम कितना है बच्चों 6000 हजार लीजिए एमआरपी छ हजार रुपये अब ये इस तरीके का डेटा लिखा हुआ है था एक बार एस में तो इसका मतलब समझो कि अगर नगद लेता है वो नगद लेता है अगर नगद नगद बच्चों जो भी है केस अगर लेता है वो बात किसकी चल रही है केस केस में अगर लेता है तो उसको 40 परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा अगर वो 10 दिन के अंदर पैसा चुका देता है एक से दस तक एक से दस के दिन में खरीदता है एक टी का अंकित तो मूल्य छः हज़ार रुपये और ये नगद चालीस परसेंट का बट्टा लेगा एक से दस दिन तक अगर लेता है तो तीस परसेंट का बट्टा मिलेगा उसको ग्यारह से बीस दिन तक अगर लेता है तो बीस परसेंट का बट्टा मिलेगा अगर इक्कीस से पच्चीस दिन तक लेता है तो दस परसेंट का बट्टा मिलेगा और तीस दिन के बाद लेता है तो उसको कोई बट्टा नहीं मिलेगा मतलब छब्बीस से तीस दिन तक लेता है तो उसको कोई बट्टा नहीं मिलेगा बट्टे की शर्त पर उपलब्ध है एक ग्राहक टी खरीदता है और मूल्य का भुगतान बाईसवें दिन करने का वचन लेता है तो ज्ञात करो उसने कितने रुपये का टी खरीदा क्वेश्चन को मैं आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं है फर्जी है लैंग्वेज है केवल सब कुछ पढ़ा चुका हूँ लैंग्वेज है इसको समझो अगर केस लेता है वो 40 परसेंट एक से दस दिन तक भुगतान करता है तो उसको बट्टा मिलता है तीस परसेंट ग्यारह से बीस दिन तक भुगतान करता है भाई दस दिन तक भुगतान कर देगा तो तीस परसेंट का बट्टा। दस के आगे ग्यारह से लगा के बीस दिन तक भुगतान कर देगा तो उसको बीस परसेंट का बट्टा मिलेगा ये क्या है बट्टा अच्छा बच्चों अगर इक्कीस से लगा के पच्चीस दिन के अंदर भुगतान कर देगा तो उसको बट्टा मिलेगा दस परसेंट का और अगर छब्बीस से तीस दिन के अंदर भुगतान करेगा तो उसको कोई बट्टा नहीं मिलेगा यह शर्त है बच्चों अब वो कह रहा है कि उसने बाईसवें दिन भुगतान कर दिया अब बाईसवें दिन भुगतान कर दिया बच्चों तो उसको बट्टा कितना मिलना चाहिए दस परसेंट का क्लियर है कितना परसेंट का दस परसेंट तो बट्टा दे दो उसको दस परसेंट का उसको माल कितने का बेचा जाएगा सबको पता है सेल प्राइस आ जाएगा बोलो सो की चीज़ कितना निब्बे ये कितना छः हजार इंटू निब्बे भट्टा सो चौवन सौ रुपये का माल बेचा जाएगा कितने रुपए का चौवन सौ हंसर आ जाएगा उसने कितने रुपए में टीवी खरीदा तो उसने जो टीवी है वो चौवन सौ रुपये में ख़रीदा मैं वापस बोल देता हूँ ये शर्तें होती है दुकान वालों की शर्तें होती है केस ले जाओ चालीस परसेंट बट्टा दे देना पहले दिन से 10 तारीख तक दे दीजिए पैसा तो आपको 30 परसेंट का भट्टा मिल जाएगा ग्यारहवें दिन से 20 तारीख तक 20 तारीख तक 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 ये वर्ड है तक 20 तारीख तक दे दीजिए तो 20 परसेंट का भट्टा मिल जाएगा क्लियर 20 दिन तक दे दीजिए 20 परसेंट का भट्टा मिल जाए अगर इक्कीसवें दिन से पच्चीसवें दिन तक दोगे तो दस का भट्टा और पच्चीस दिन के बाद दोगे तीस दिन तक तो आपको कोई भट्टा नहीं मिलेगा तो फिर आगे कोई भट्टा नहीं मिलेगा आपको जो रेट लिखी है वही मिल देनी पड़ेगी क्लियर अगर वो मान लो ये कहता अगर वो सात दिन में ही पैसा चुका दे कितने दिन में सात तो उसको कितना पैसा चुकाना पड़ेगा तो बच्चों उसका बट्टा इस सीरीज के अंदर आ जाता कितना बट्टा मिल जाता उसको तीस परसेंट क्लियर तो एम आर पी पर तीस परसेंट का डिस्काउंट दे देते ये लीजिए ये क्या है एम आर पी एम आर पी पे कितने परसेंट का डिस्काउंट दे देते तीस ये लीजिए छः हज़ार और सौ की चीज सत्तर बयालीस सौ रुपये आ जाएंगे क्यों क्योंकि छः हज़ार है और अपन को पता है सत्तर बटा सौ कितने माल कितने में जाएगा बयालीस सौ अब मान लो किशन को और घुमा सकता है वो ये कहे कि हिसाब या तो बाईसवें दिन में करे या या तो वो बाईसवें दिन में पेमेंट करे या सातवें दिन में पेमेंट करे तो दोनों का अंतर क्या होगा तो वहाँ तो पेमेंट छप्पन सौ करना पड़ेगा और यहाँ पर पेमेंट बयालीस सौ करना पड़ेगा वहाँ पर पेमेंट चौवन सौ करना पड़ेगा या बयालीस सौ पेमेंट करना पड़ेगा तो बारह सौ रुपये की बचत कर लेगा क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो कुछ भी नहीं है फर्जी क्वेश्चन आपको इसमें इस से ये बताना है कि बट्टा कौन सा लगेगा नगद लेता है तो चालीस परसेंट का बट्टा पहले दिन से दसवें दिन तक अगर भुगतान करता है तो तीस परसेंट बट्टा दस दिन के बाद बीसवें दिन तक बीस परसेंट का बट्टा 20 दिन के बाद मतलब 21 से 25 तक 10 परसेंट का बट्टा अच्छा 25 तारीख को भी अगर वो भुगतान करता है तो 10 परसेंट का बट्टा ही मिलेगा लेकिन 26 से करेगा 26 तारीख को भुगतान करेगा या छब्बीसवें दिन भुगतान करेगा तो उसको कोई बट्टा नहीं मिलेगा सत्ताईसवें दिन भी उसको कोई बट्टा नहीं मिलेगा अच्छा बताओ दसवें दिन उसको कौन सा बट्टा मिलेगा तीस का मिलेगा ऊपर भट्टे हैं नीचे दिन है अच्छा बीसवें दिन उसको कौन सा बट्टा मिलेगा बीस का बट्टा मिलेगा बट्टा किस पे दिया जाता है एम जैसे बोले वैसे कर दो कोई कहते सर अठारहवें दिन कौन सा बट्टा मिलेगा तो 10 से 20 तक अठारहवें दिन मतलब 20 परसेंट का बट्टा मिलेगा आपको क्लियर है बच्चों ये बच्चों पूरा प्रॉफिट लॉस खत्म कंप्लीटली मैंने खत्म करा दिया जीरो से लगा के मेरा जो डायलॉग है वो ये सुनने से अनंत तक मेरे को नहीं लगता कि मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ा एक भी क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ा और सारे क्वेश्चन मैंने एक ही तरीके से करवा दिए एरो से 99 परसेंट क्वेश्चन एरो यूज किया है मैंने ये जो लैंग्वेज के क्वेश्चन है तो मैं समझा रहा हूँ कि ये लैंग्वेज क्या है इस लैंग्वेज का क्या मतलब इसमें तो क्या एरो यूज करोगे सॉल्व करने में तो एरो ही काम में लिया अपन ने कि डिस्काउंट एम आर पी दिया जाता है और डिस्काउंट दे सेल प्राइस आ जाता है और बच्चों में फिर कह रहा हूँ दुनिया का यूनिक मेथड है लोग इसकी कॉपी करेंगे और 100 परसेंट कॉपी होने वाली है और कॉपी हो तब तक इसको वायरल कर दीजिए बच्चों बस मैं पांच वीडियो बना चुका हूँ मैं ये मेहनत इसलिए कर रहा हूँ ताकि लोग समझें समझे कि मैथ बहुत आसान है बहुत सिंपल तरीके से अपन पढ़ सकते हैं कुछ भी नहीं है पूरी मैथ को एक ही साँचे में डाल सकते हैं अपन मैंने डालने की कोशिश की है प्रत्येक क्वेश्चन दस सेकेंड में हो सकता है और मेरी एक लास्ट रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और मेरा YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए थैंक्स